बाकी वो एक्सेप्ट ही कर लें। अब से 100 साल पहले हमारा मन अब की भेंट में 4 गुना शक्तिशाली था। अब से 500 साल पहले अब की भेंट में वो 20 गुना शक्तिशाली था। अब से 1000 साल पहले वो 50 गुना शक्तिशाली था। और अब से 5000 साल पहले वो 100 गुना शक्तिशाली था। अब हमारा मन निर्बल होता आया है क्योंकि हमने मन की शक्तियों को यूज किया है। जैसे हम अपनी बैटरी को यूज करते हैं, कहीं भी बैटरी हो, लैपटॉप की हो, कंप्यूटर हमारे मोबाइल की, वो कम होती जाती है। मन की शक्तियों को भी हमने यूज किया है, वो कम होती गई। कहाँ होती है मन की शक्तियां यूज? संकल्पों में, थॉट्स में, विचारों में। अब ये बात सभी को जान लेनी चाहिए कि अगर किसी के मन में व्यर्थ विचार बहुत चलते हैं, किसके मन में निगेटिव थिंकिंग बहुत चलती है, कोई कोई पास्ट में ही जीता है, पास्ट की चिंतन, पास्ट का इफेक्ट बहुत है मन पर, तो मन की शक्तियां तेजी से डाउन होती जाएंगी। तो हम इस बात पे बहुत ध्यान दें कि हमें अपने मन को निर्बल नहीं होने देना है। हम इस वैल्यू को समझें कि मन की शक्ति मोस्ट वैल्यूबल। अगर मन शक्तिशाली होगा तो हम बहुत सारे काम कर सकेंगे। जैसे हमारी बैटरी फुल है, 100% है, तो हम निश्चिंत है कि हम बहुत सारे काम कर पाएंगे। और यदि वो 10 पर आ गई है तो हम सोचते रहते हैं कि थोड़ा कम काम करें, अभी हमें 1 घंटा काम करना, थोड़ा सा कम करेंगे। तो हम भी वैल्यू को समझें कि हमारे मन की शक्ति बहुत मूल्यवान है। मैं एक बात सभी को कहूंगा, अपने भाई बहनों को जो सुन रहे हैं, अपने जीवन को वैल्यू दें। ध्यान दें इस बात पर, अपने संकल्पों को वैल्यू दें, अपनी बुद्धि को वैल्यू दें, अपने समय को वैल्यू दें, अपने कार्यों को वैल्यू दें, अपने संबंधों को वैल्यू दें। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये चीजें। मनुष्य कभी कभी संबंधों को वैल्यू नहीं देता, तोड़ डालता है फट से, कच्चे धागे की तरह, फिर पछताता है। मनुष्य कभी कभी अपने काम को वैल्यू नहीं देता, असफलता मिलती है उसे। वो अपनी बुद्धि को वैल्यू नहीं देता, जैसे हम चर्चा कर आए थे, उसको डस्टबिन बना देता है, बदबू आने लगती है जिंदगी में। वो अपने मन की शक्तियों को वैल्यू नहीं देता तो उसे वेस्ट करता रहता है। तो ये हमारी मन की शक्ति अगर बहुत अच्छी होंगी, बढ़ी चढ़ी होंगी, तो हम विभिन्न परिस्थितियों में साहस पूर्वक विजयी हो जाएंगे। जिसका मन शक्तिशाली है उसको कहा जाता है इसका मनोबल बहुत अच्छा है। मनोबल यानी विल पावर बहुत अच्छी होगी हमारी, तो हम एग्जाम के समय नर्वस नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे एग्जाम फियर रखते हैं, पेपर हाथ में आते ही बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, उनको कुछ का कुछ दिखाई देने लगता है। हमारा मनोबल बहुत अच्छा होगा तो हम घबराएंगे नहीं, हम सदा निर्भय होकर रहेंगे। जिंदगी में भय बहुत है मनुष्यों को, बहुत तरह के हैं। फेलियर होने का भी भय है, निंदा होने का भी भय है, असफल होने का भी भय है, कोई कुछ मुझे कहे नहीं ये भी भय है, और बड़े बड़े भय तो होते ही हैं। तो मनोबल जिसके पास होगा वो कभी भयभीत नहीं होंगे। बीमारी भी अगर आती है, देखो मैंने बहुत सारे अभ्यास किए पिछले कई सालों में कैंसर के पेशेंट्स के साथ, उनके मनोबल को बढ़ा दिया, उन्हें पक्का कर दिया कि तुम मरोगे नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टरों ने भी कह दिया था 6 मास का जीवन है, लेकिन हमने उन्हें तैयार कर दिया, 6 मास का जीवन नहीं है, 20 साल का जीवन है, तुम मजे से जियोगे। और लोग कैंसर पर विजयी हुए, कैंसर उनका ठीक हुआ। ऐसे ऐसे केस जिसमें बिल्कुल होपलेस केस जिसे कहते हैं, इनक्योरेबल केस कहते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं होता, ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर जहाँ लोग मेडिकली असफल हो जाते हैं,
मेरे पास आते हैं कि क्या हम स्पिरिचुअली कुछ कर सकते हैं। हमारे पास अभी अभी का एक केस है जो चालू है। हमारे वहाँ बड़े आश्रम में रहने वाला एक युवक, जिसको पेट में कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि डॉक्टरों ने कहा इसका मेडिकल में कोई इलाज नहीं होता, अब तुम जी तो नहीं पाओगे, बहुत जल्दी समाप्ति हो जाएगी जीवन की। मेरे पास आया, किसने उसको भेज दिया, हालांकि न वो मुझे जानता था न मैं उसको, लेकिन आया मेरे पास। मैंने उसके मनोबल को बढ़ाया और उसको कुछ स्पिरिचुअल तरीके बताए, ठीक हो गया है। जब उसे कहा था तुम 1 2 3 मास ही जियोगे, उस बात को 1.25 साल हो गया है, अब वो जी रहा है, सुखी है। और 3 4 दिन पहले फिर आया था मेरे पास कि थोड़ा थोड़ा कहीं पेन होता है। मैंने उसको फिर अच्छी विधियां बताई जो हम सिखाते हैं, जो पेनफुल प्लेस है उसको एनर्जी देना, फिर वो ठीक हो गया। तो देखो, मनुष्य अगर अपने मन को पॉजिटिव रखे तो बीमारियों में भी न वो निराश होगा, न वो फ्रस्ट्रेट होगा, न वो इरिटेट होगा। बिन जो निगेटिव परिस्थिति आती है जीवन में, वो मनुष्य को इरिटेट भी करती है, फ्रस्ट्रेट भी करती है, वो दोनों से पार होगा। और जीवन में एक बहुत बड़ी चीज जिसकी मन की शक्ति बहुत अच्छी होगी, वो जीवन के हर फील्ड में सफल बहुत जल्दी होगा, जो बहुत बड़ी आवश्यकता है आज मनुष्य की और युवकों की तो खास, कि हर कदम पर वो सफल हों। अगर वो एग्जाम दे रहे हैं उसमें सफल हों, वो बिजनेस कर रहे हैं उसमें सफल हो, वो गेम खेल रहे हैं उसमें सफल हो, वो एक आर्टिस्ट है उसमें सफल हो, वो एक फोटोग्राफर है, वो फिल्म में एक्टर है उसमें सफल हो, हर जगह सफलता मिलेगी। मैंने बहुत जगह देखे कैसे मन जिनका अच्छी स्थिति में है, निगेटिव नहीं, इम्प्योर नहीं, बुरे संग में नहीं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत विनम्र हैं, दूसरों को सुख देते हैं, उन्हें नौकरी भी तलाश नहीं करनी पड़ती, फटाफट मिल जाती है, फटाफट कहीं से कॉल आई और काम हुआ, ऐसा देखते हैं। और जो वेल एजुकेटेड हैं लेकिन मनोस्थिति अच्छी नहीं है, मन के विचार उनको परेशान कर रहे हैं, इम्प्योरिटी उनको सता रही है, तो बहुत देर लगती है जॉब मिलने में भी। ये बहुत सटल फिलोसोफी है, बहुत सटल कनेक्शन है। तो हम सभी ध्यान दें, जिन चीजों से हमारी मन की शक्तियां नष्ट होती हैं उनसे हम बचें। कई चीजों की हम चर्चा कराए हैं, बहुत ज्यादा व्यर्थ सोचने की आदत, दूसरों के बारे में सोचने की आदत, इसको छोड़ें, अपने बारे में चिंतन करें, स्पिरिचुअली भी आप चिंतन करें अपने बारे में, अपने को स्पिरिचुअल मार्ग पे भी चलाएं। ये कोई संन्यास का मार्ग नहीं है, ये कोई कर्म छोड़ने का मार्ग नहीं है, ये जिम्मेदारियों से भागने का मार्ग नहीं है, ये कर्मों को सफल करने का मार्ग है, ये अपने भाग्य को उन्नत बनाने का मार्ग है, ये अपनी इनर पावर्स को बढ़ाने का मार्ग है। कई लोग अध्यात्म से डरते हैं, माँ बाप भी अपने युवकों को जाने नहीं देते, पर हमारे यहाँ आने वाले युवक ही बहुत ज्यादा हैं, कई लाख हैं, जो बहुत अच्छा राजयोग करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को व्यसनों से मुक्त किया है, जिन्होंने अपने जीवन को बहुत एफिशिएंट बना लिया, जो संतुष्ट हैं जीवन में, उन्हें लगता है हम कुछ कर रहे हैं, और उनके मन में एक सुंदर संकल्प रहता है हम संसार के काम आ जाएं, हम अपने देश के लिए कुछ अच्छे से अच्छा काम करें, हम जन समुदाय की बहुत अच्छी सेवा करें। तो मन की स्थिति जब सुंदर होती है तो ये सुंदर विचार आते हैं, नहीं तो मनुष्य सेल्फिश होता है, वो केवल अपने बारे में ही सोचता है, वो अपने से बाहर ही नहीं निकल पाता है। तो हमें ये देखना है कि हमारी मन की शक्तियां कहीं वेस्ट तो नहीं हो रही हैं। हमने बहुत अच्छे काम किए हैं मन की शक्तियों पे, कराए हैं, हमारे यहाँ रिसर्च डिपार्टमेंट है उसमें हमने काम कराया। तो एक बार हमारे पास बहुत बड़ा ग्रुप था, यही हम साथ साथ काम करा रहे थे, 300 लोग थे, इंटरनेशनली थे, सब जगह से लोग आए हुए थे, हमने उनको काम दिया। आज आप चेक करना हर घंटे में 1 2 बार कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या सोच रही हूँ,
और जो मैं सोच रहा हूं क्या उसकी मुझे जरूरत है? उत्तर देखना, हाँ ना का। तो अधिकतर का उत्तर था, उन्होंने 25-30 बार अपने मन को ऑब्जर्व किया रुक कर, हर बार पाया जो हम सोच रहे हैं उसकी तो जरूरत ही नहीं है। अगले दिन हमने काम दिया, कुछ अच्छा चिंतन दे दिया, इसको रिपीट करना अपने मन में, इस पर वर्क करना और चेक करना दिन में 10 बार, जो मैं सोच रहा हूं सोच रही हूं वो ठीक है। तो भी बहुतों ने ये पाया कि कभी कभी हम ठीक सोच रहे हैं लेकिन अनेक बार तो हम बेकार की बात ही सोच रहे हैं, जिसको हमें सोचना ही नहीं चाहिए, जिसको सोचने से हमें कुछ मिलेगा नहीं है, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हम ऐसे ही सोच रहे हैं दूसरों के बारे में बिना मतलब के बारे में। तो तीसरी बार हमने हमारे यहाँ स्पिरिचुअली जो कुछ सुंदर थॉट्स होते हैं वो दे दिए कि सारा दिन आप ये प्रैक्टिस करो। तो बहुतों के अनुभव हो गए, बहुतों के कि अब वेस्ट बहुत कम रह गया, 10% रह गया था। कभी कभी हम गलत सोच रहे थे, पर चिंतन कर रहे थे या अननेसेसरीली सोच रहे थे, बाकी समय सब कुछ हमारा बहुत अच्छा था। तो हम भी अपने मन को जरा ऑब्जर्व कर लिया करें बीच बीच में कि हम कहीं वो तो नहीं सोच रहे हैं जो हमें सोचना ही नहीं चाहिए, हम कहीं वो तो नहीं सोच रहे जो हमारा फील्ड ही नहीं है। देखो मैंने अपनी साधनाओं में शुरू में जब हम पढ़ लिख कर यहाँ आ गए तो एक संकल्प किया, जब दूसरों के बारे में चिंतन चलता था ना जिसे हम पर चिंतन कहते हैं, तो मैंने सोचा हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे यानी साइंस के, हमने कभी नहीं सोचा कि हम कॉमर्स की क्लास में जाकर तो देखें वहां क्या पढ़ाया जा रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं, वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, तो हम सोचते ही नहीं थे, कोई नहीं सोचता होगा। आप भी सोच कर देखें, आप अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप कॉमर्स वालों के बारे में कुछ नहीं सोचते, केवल अपने को देखते हैं। और दूसरी बात, जो होशियार स्टूडेंट होते हैं वो कमजोर स्टूडेंट को भी नहीं देखते कि ये क्लास में नहीं आ रहे, एबसेंट रहते हैं, ये इधर उधर गपशप लगाते रहते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, नो कंसर्न, वो अपने को देखते हैं कि वाह मुझे ये करना है, इतने मार्क्स आए थे इतने लाने हैं, कंपटीशन हो तो इससे मुझे ज्यादा लाने हैं, वो हेल्दी कंपटीशन कहलाता है। तो हम सभी अपने मन की शक्तियों को बहुत पॉजिटिव करें, हम निगेटिव होने से बचेंगे तो हमारे मन के संकल्प, हमारे मन में बहुत ताकत आ जाएगी। निगेटिव के मैं एक दो ही उदाहरण दे रहा हूँ, बच्चों को डर लग रहा है एग्जाम से पहले कहीं हार्ड पेपर ना आ जाए, आउट ऑफ कोर्स ना हो जाए क्वेश्चंस, अब वो डर रहे बिना मतलब, क्या आएगा वो उन्हें पता नहीं है लेकिन वो सोच सोच के घबरा रहे हैं, अब उन्हें सोचना है नो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा आएगा। मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड का एक प्रयोग बताया था शायद, और वो प्रयोग बहुत बड़ा है, फिर मैं रिपीट करूंगा एक दो दिन में उसे, कि जो क्वेश्चन हम तैयार करेंगे वही आएंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। शायद मैंने किसी और चर्चा में बताया, क्योंकि रोज चर्चाएं हो रही हैं तो मुझे ख्याल नहीं रहता कहाँ क्या बता दिया, रोज अच्छे अच्छे लेक्चर हो रहे हैं, मैं आपके सामने भी ये बात रखूंगा। तो निगेटिव को पॉजिटिव में बदल दें, बीमारी हो गई है पता नहीं ठीक होंगे या नहीं, पता नहीं कितना दिन लगेगा, नो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कोरोना आ गया है, सबसे ज्यादा लोग निगेटिव अब इसमें हो रहे हैं, पता नहीं इससे कब जान बचेगी, कब ये हमारा पीछा छोड़ेगा, ये तो बहुत लंबा चल गया है, हमारी इकोनॉमी खत्म हो रही है, हमारे पैसे खत्म हो गए, हमारे धंधे चौपट हो गए, सोच सोच के परेशान है, हमें थोड़ा अच्छा सोचना है, ये मार्ग नहीं तो हम कुछ और मार्ग निकालेंगे, हर परिस्थिति हमें और आगे बढ़ाएगी, हर निगेटिव चीज हमें बहुत स्ट्रोंग करेगी। ठीक है आज हमारे पास पैसे की कमी हो गई, कल हम और अच्छा कमा लेंगे, क्रिएटर तो हम है ना। मैं आपको एक सुंदर सी बात सुना देता हूँ, क्रिएटर की बात याद आ गई तो ब्रीफली सुना देता हूँ। हमारे यहाँ केनिया में नैरोबी एक सिटी है, वहाँ के एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन
ज्ञान योग सीखने आए, सीख लिया, करने लगे। उनकी 47 देशों में कंपनियां थी, अचानक फेल हो गया सब कुछ, उनको देवाला हो गया, सारा घर चला, सारा धन माल चला गया, केवल घर बचा। ये घूम रहे थे, इनका फ्रेंड इन्हें सांत्वना देने आया, लेकिन बीच बीच में ये कहने लगा, तुम तो बहुत अच्छा कर्म करते हो, कहते हो भगवान हमारा साथी है, राजयोग करते हो, फिर तुम्हारे साथी ये क्यों हो गया, भगवान ने तुम्हें बचाया क्यों नहीं। तो उसने कहा, अगर न बचाया होता तो मैं तुम्हें यहाँ थोड़ा ही मिलता, जब अपने बगीचे में घूमता हुआ, मैं तो ऊपर चला गया होता, उसने बचाया ही तो है। और फिर एक बहुत अच्छी बात बताई, ये देखो जब मैं इंडिया से यहाँ केनिया में आया था तो एक अटैची और 200 रुपये लेकर आया था बस, मेरे पास और कोई पूंजी नहीं थी। मैंने ये बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा किया है तो क्रिएटर मैं हूं, अगर ये साम्राज्य आज ढह गया है तो मैं क्रिएटर हूं, मैं इसको फिर खड़ा कर लूंगा। मैं आप सभी युवक बंधुओं को, बहनों को कहना चाहता हूं, क्रिएटर हम हैं, क्रिएटर आप हो। कभी कुछ भी जीवन में चला जाए तो आप परेशान ना होना, आप निराश ना होना, क्रिएटर हम हैं, हम फिर क्रिएट करेंगे। अपने भाग को न कोसने लगना, किसी व्यक्ति को न कोसने लगना, इसने ये किया, उसने ये किया, इसकी जरूरत नहीं है। वी आर क्रिएटर, वी हैव गॉट क्रिएटिव एनर्जी विद इन अस, वी कैन क्रिएट अगेन, ऐसे संकल्प रखेंगे, ये पॉजिटिव चिंतन है। तो जीवन के हर फील्ड में जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो शक्तियां बढ़ जाती हैं, जीवन सुखी हो जाता है, हम सहनशील भी बन जाते हैं। तो बस ये याद रखना, हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं, हम क्रिएटर हैं, जीवन के किसी भी फील्ड में हमें हार नहीं माननी, हम क्रिएट कर सकते हैं, बस अपने अपने मार्ग ढूंढ लेने हैं। मन की शक्तियां बहुत ज्यादा वेस्ट होती हैं। कल भी एक क्वेश्चन था और थोड़ा उत्तर हमने इसका दिया था, पास्ट के चिंतन से, पास्ट के इफेक्ट से। बहुत लोग चिंतन करते हैं और खुश नहीं रहते। मैं छोटी सी घटना सुनाऊं आपको, एक खुश रहने वाले की। बैंक में मैं गया तो जो चपरासी था वो बार बार आ जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे खुशी नहीं थी। मैंने मैनेजर से पूछा, वहां बैठे थे ये लड़का खुश नजर नहीं आता, काम भी पूछ लो। मैंने पूछा क्या बात है खुश नजर नहीं आते, उसने कहा देखो सच सच बता देता हूँ, खुश तो मैं हूं, अब तो मैंने इस जीवन को स्वीकार कर लिया है, पर वो जो व्यक्ति बैठा है ना, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है, वो और मैं साथ साथ पढ़ते थे, हम दोनों ने बीए किया था, उसने फर्स्ट क्लास लिया था बीकॉम में, और मैं बुरे संग में रहा, मैंने पढ़ाई नहीं की ठीक से, मेरे नंबर बहुत कम आए थे, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली, तो मैंने प्यून बनना ही स्वीकार कर लिया और वो आज ऑफिसर है। हालांकि मैं खुश हूं, मुझे भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं, परिवार चल जाता है, लेकिन उसे देख देख कर मैं सोचता रहता हूँ, काश मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ को वैल्यू दी होती, काश मैंने अपने को तब अच्छा बना लिया होता, एजुकेशन अच्छी ली होती, बुरे संग से मैं बच गया होता, तो आज मैं भी किसी अच्छे पद पर होता। यद्यपि वो खुश था, लेकिन मनुष्य जब आगे बढ़ जाता है तो पीछे की वैल्यू को वो समझता है कि मनुष्य ने क्या क्या कर्म कर लिए, कौन से पाप कर्म उससे हो गए, इसलिए अगर हो गए हों तो अब उसके इफेक्ट से स्वयं को समाप्त करेंगे, मुक्त करेंगे अपने को उसके इफेक्ट से, उसके इफेक्ट को समाप्त करेंगे, ये बहुत जरूरी है, उसको लाइट करो। जब हम किसी चीज को मन से लाइट कर देते हैं तो भूलने लगती है कि ये लगता है पिछला जन्म था मेरा, ये अब का जन्म नहीं था, वो सब पूरा हो गया, मैंने दूसरा जन्म ले लिया है, अब मुझे सद्विवेक प्राप्त हो गया है, अब मुझे बहुत अच्छी समझ मिल गई है, अब मैं नए जीवन की शुरुआत कर रहा हूँ। अपने को चिंतन देकर पास्ट के इफेक्ट से मुक्त अवश्य करें, नहीं तो वो आपकी शक्तियों को खाता जाएगा, आपकी खुशी को भी खाता जाएगा। हल्का करें अपने को, पास्ट में बहुत लोग भूले कर देते हैं, फिर उसके इफेक्ट में बुरी तरह फंसे रहते हैं,
और अगर आप उसके इफेक्ट में फंसे रहेंगे तो आपके माइंड की जो क्रिएटिव एनर्जी है वो डल होती जाएगी, आप कुछ भी नया नहीं सोच पाएंगे, आप नया कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाओगे। मैं आप सभी को अब समय की को देखते हुए सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ कह देता हूं, इसको हम और आगे लेकर चलेंगे। फिर सवेरे जब हम सोकर उठते हैं, मैं आपको बता आया हूं, तो 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन जागृत रहता है। इस अवचेतन मन में हमारी मन की शक्ति की 90% शक्ति रहती है, 10% शक्ति को हम सोचने में यूज करते हैं, 90% हमारी सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। वो सवेरे जगा होता है, सोने से पहले वो थोड़ी देर के लिए जग जाता है, फिर सोते समय जगा रहता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शक्ति है, देखो हमारी 90% पावर उसमें है। और ये सबकॉन्शियस माइंड दो चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है, एक हम जो संकल्प उसे देंगे उसे वो एज ए कमांड स्वीकार कर लेगा, हमारा कमांड, हम उसके जैसे मालिक हैं, वो जैसे सर्वेंट है, उसको अपना कुछ सोचना नहीं है, हम जो कहेंगे वो करेगा। और दूसरा वो जल्दी स्वीकार कर लेता है हमारी, वो जल्दी स्वीकार कर लेता है विजन को, हम विजन दिया करें अपने सबकॉन्शियस माइंड को। और तो कैसे, अब मैं इसके विस्तार में ना जाके डिटेल में थोड़ी सी बात बता देता हूँ। आपने एक हायर कंपटीशन दिया है, आपको इच्छा है कि ये क्लियर हो जाए, मेरा नंबर आ जाए, तो आप सबकॉन्शियस माइंड में 7 दिन तक सवेरे भर दो, मेरा ये कंपटीशन, इसका रिजल्ट क्लियर आएगा। और जैसे मैं नेट पर देख रहा हूँ अपना नाम और नंबर और आ गया है, और मैं खुशी में एंजॉय कर रहा हूँ, वो फीलिंग ले आओ रोज सवेरे किसी भी समय। मैंने कहा था जल्दी उठ के थोड़ा अच्छा होता है, सूर्योदय से पहले उठना थोड़ा अच्छा होता है, तब मन ज्यादा शांत रहता है, तो सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा अच्छी तरह काम करता है। तो अगर आप उसे एंजॉय करेंगे तो निश्चित रूप से वही रिजल्ट आपको मिलेगा। आप स्टूडेंट हैं 12वीं क्लास के और आपको 95% मार्क्स लाने हैं, 1 मास पहले से, 2 मास पहले से जहां आप सोते हैं सामने की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिख के रख दो 95% आएंगे। उठते ही देखना और एंजॉय करना, आपके 95% ही आ जाएंगे। ये सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग हैं बहुत अच्छे। हमें अपनी मन की शक्ति को राजयोग से बढ़ाना है। हम आपको सवेरे आधा घंटा राजयोग मेडिटेशन करा रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज है, आप उसे करते रहना, बस उस पे ध्यान देना, इससे आपकी इनर पावर बढ़ेगी, आपके सफलता के द्वार खुलेंगे, आप भगवान के भी समीप पहुंचेंगे और अपने भी समीप पहुंचेंगे। ओम शांति। अब हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। हाँ भाई, अपने क्वेश्चंस जो औरों से आए हैं वो जरा प्रस्तुत करें। बहुत ही अद्भुत प्रसंग आपसे सुनने को मिले कि किस तरह कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर से ठीक की जा सकती है। हाँ नहीं, जैसे बिल्कुल ये सच है, मैंने मेरे अभी के ख्याल 10 केस हैं। बहुत सुंदर गुरुजी, एक प्रश्न हर किसी के सामने आता है कि हम संकल्प तो अपने बड़े आसानी से बना लेते हैं, हमें क्या करना है, लेकिन हम उस संकल्प पर दृढ़ नहीं रह पाते, तो उस हाँ संकल्प सिद्धि को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड और ध्यान के माध्यम से कैसे हासिल करें? हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत ही गहन है और हर व्यक्ति के सामने ये समस्या आती है कि संकल्प सब अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन बाहर की कुछ हवाएं उन संकल्पों की गति को डाउन कर देती हैं। मान लो हमने संकल्प ये किया कि मैंने IAS का दिया एग्जाम, मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया। साथी कह रहा है तुम्हारा क्लियर होगा, हो ही नहीं सकता, तुम कौन से होशियार व्यक्ति हो, तो थोड़ा डाउन होने लगता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे साथी हमको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, उनके प्रभाव से हमें मुक्त रखना चाहिए। इसलिए मैं सभी युवकों को ये कहता हूं, अपने संघ का ध्यान रखें, जो आपको एनकरेज करे, जो आपके स्किल्स को चमकाए,
जो आपको कोऑपरेट करे, अप्रिशिएट करे, ऐसे साथियों का साथ ही बहुत कल्याणकारी होता है। तो जो संकल्प आपने किया है उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि उसे लिख लो और रोज सवेरे जब उठो उसे रिवाइज करना। और ये संकल्प भी साथ में करना कि भगवान हमारा परम पिता है, उसने मेरा श्रेष्ठ भाग्य बनाया है, ये होगा ही। तो रोज रोज ये संकल्प करने से दृढ़ता आती जाएगी। इसको हम कहते हैं जैसे कोई पौधा लगा दे और उसमें पानी डाले ही नहीं, तो वो सफल कैसे होगा, बढ़ाया कैसे। तो हम संकल्प रच कर पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन रोज रोज उमंगों का, अच्छे संकल्पों का पानी भी उसमें देते रहें तो दृढ़ता आती जाएगी और वो चीज सफल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने बताया कि कैसे हम आज के समय में दूसरों के बारे में तो पूरी रिसर्च कर लेते हैं लेकिन अपने आप को नहीं जान पाते। इसी का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने सुखों के लिए, अपनी खुशी के लिए दूसरों पर पूरी तरह डिपेंड होके रह जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में रहेगा तो ही खुश रहेंगे, अन्यथा नहीं। इस चीज से हम कैसे ऊपर उठें, इस चीज से हम कैसे आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सच तो यही है कि शांति सुख मनुष्य के अपने अंदर है। अगर मनुष्य खुद अंदर में सुखी नहीं है तो दूसरे उसे सुख क्या देंगे। मान लो हमारे सामने बहुत स्वादिष्ट भोजन रखा है लेकिन हमारा मन आज खुश नहीं है तो हमें मजा नहीं आएगा। स्वादिष्ट भोजन को भी हम शायद उतनी रुचि से नहीं खा पाएंगे। सुख शांति ये सब हमारे अंदर बहुत ज्यादा हैं, और जो हम आपको मेडिटेशन सिखा रहे हैं मुझे पूर्ण विश्वास है बहुत सारे भाई बहने इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। भले ही सवेरे का टाइम है, मैंने आपके बड़ों को कहा था कि सो जाएंगे लोग सवेरे सवेरे 6 बजे रख लो, उन्होंने कहा नहीं ये फिक्स हो गया है। तो मुझे विश्वास है सवेरे जो हम अपने को अफर्मेशन देते हैं ना, एक्सेप्टेंस, मैं बहुत सुखी हूँ, या मैं बहुत भाग्यवान हूँ, या मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ये बहुत बड़ा काम करते हैं। तो हम अपने को अंदर ले जाएं और अपने अंदर में देखें हम तो बहुत सुखी हैं। हमारा चिंतन श्रेष्ठ होगा तो हम सुखी होंगे, हमारा चिंतन निगेटिव होगा तो सुखी कम हो जाएंगे। अपने चिंतन को देखें और ये पक्का कर दें जैसे आपने कहा कि सुख किसी और से नहीं, हमारे अपने ही अंदर से उपजता है, तो हम हर तरह से योग्य बने। और इस मेडिटेशन को थोड़ा सा बढ़ाते चले तो ये नहीं कि दूसरों से सुख नहीं मिलेगा, दूसरों से जब हमें सुख मिलेगा तो उस सुख की डबल अनुभूति हमें होगी। मान लो किसी युवक की शादी हो गई है, उसकी पत्नी आई है, बहुत अच्छी है, स्वीट संबंध है दोनों के, अब दोनों बहुत सुखी हैं, लेकिन यदि एक का मन निगेटिव होगा, उसके मन में उलझने बहुत होंगी या चिंताएं बहुत होंगी या छोटी छोटी बातों में परेशान होने की आदत होगी, तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया गया सुख भी उसको सुख भासेगा नहीं। तो इसलिए अपने में चेंज लाएंगे, अपने को खुद सुखी बनाएंगे। देखो मैं अपने लोगों का अनुभव सुनाऊं 1 मिनट में। हम लोग सवेरे उठते हैं ऐसे ही 3:30 बजे रोज, और बहुत अच्छा मेडिटेशन करते हैं, ठंडी हवाओं में भी घूमते हैं, उसके बाद घूमते हुए अच्छा चिंतन करते हैं, फिर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। 8 बजे तक का हमारा टाइम सुखों से भरपूर हो जाता है। सचमुच 4 साढ़े 4 घंटे रोज हम इतना सुख ले लेते हैं कि जीवन में दुख भी कुछ होता है क्या, इसकी अविद्या हो जाती है। बहुत सुंदर गुरु जी, बहुत सुंदर। इसके बाद मैं आपसे प्रेम के प्रसंग के ऊपर थोड़ी व्याख्या के लिए निवेदन करूंगा, क्योंकि प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसका हमारे समाज में बहुत गलत अर्थ समझा जाता है। युवक उसका अर्थ कुछ और ही समझते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से वास्तविक प्रेम क्या है, और वह सामाजिक जो मान्यता प्रेम की है, जो परिभाषा लोग गलत उसकी निकालते हैं, उसमें क्या अंतर है? और फिलोसॉफिकल डीप क्वेश्चन है। आजकल के संसार में प्रेम वासनाओं में बदल गया है, वासनाओं को लोगों ने प्रेम समझ लिया। जबकि देखो माँ और बच्चे का प्रेम, माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया है, वो उसकी पालना कर रही है,
ये उसके प्यार का प्रैक्टिकल प्रूफ है। माँ चाहती है मेरा बच्चा बहुत योग्य बने, ये उसके प्यार का बहुत प्रैक्टिकल स्वरूप है। प्यार के साथ एक और शब्द भी होता है, मोह। अगर मान लो एक माँ सोचने लगे, बच्चा 4 साल का हो गया, उसको स्कूल भेजना है, वो सोचने लगे है मेरा तो बड़ा प्यार है बच्चे से, मैं अपने से इसको अलग कैसे करूं, ये 6-8 घंटे मेरी आंखों से दूर रहेगा, मैं तो नहीं भेजूंगी, तो ये बच्चे का कल्याण करेगा, ये मोह कष्टदायक है। वासनाएं, मैं इस पे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ अपने युवा भाई बहनों को, क्योंकि मेरे पास इसके बहुत सारे केसेस आ रहे हैं आजकल। वेस्टर्न कल्चर जब से भारत में आई तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने, कोई मेरी बात को बुरा ना माना, मैं किसी को शिक्षा नहीं दे रहा ना कोई गलत बात कह रहा हूँ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, अब वो आपस में प्यार करते हैं, प्यार वासनाओं में बदलता है, वो चाहते हैं हम शादी करें। अच्छा, बहुत सारी लव मैरिजेज 80% फेलियर हो गई, 90%। मेरे पास एक सुप्रीम कोर्ट के वकील आए थे, मैंने उनसे पूछा, आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, कितने केस डिवोर्स के हैं? का भारतीय कोर्ट में, सारे भारत में 1 करोड़ केस हो गए हैं कोर्ट डिवोर्स के, बनते नहीं है। प्यार हो जाता है इमोशनली, इमोशंस होने के बाद वो देखते नहीं कि शादी करना कोई एक दिन का खेल थोड़ा है, जीवन की लंबी यात्रा को तय करना होता है। फिर ईगो काम करने लगता है, कोई झुकना नहीं चाहता, फिर एक दूसरे की बुराई देखने लगते हैं, फिर एक दूसरे से ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, संबंधों में कड़वाहट आ जाती है, तो ये प्यार नहीं हुआ। प्यार अगर होता, प्यार जहाँ है वहां एक दूसरे के लिए मनुष्य सहन करता है, वहां एक दूसरे के लिए मनुष्य डेडिकेट करता है, अपने क्रोध को अपने अभिमान को भी डेडिकेट कर देता है, वहां एक दूसरे को मनुष्य बहुत सम्मान देता है, एक्सपेक्टेशंस नहीं, एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं रखता है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, कल्याणकारी एक्सपेक्टेशंस, ये होता है रियल प्यार। और बाकी सब तो वासनाएं हैं जो जहर के समान हैं, आज इन्होंने ही बहुत गड़बड़ कर दी। मैं एक कहानी सुना देता हूँ, सच्ची घटना, मैं फिर कह रहा हूँ कोई मेरी बात को बुरा ना माने, क्योंकि ये थोड़ी कड़वी सच्चाइयां हैं। तो एक की शादी हुई लड़की से, अभी लड़के का भी प्यार किसी और से था और लड़की भी किसी और से शादी करना चाहती थी, अब जिससे लड़के का प्यार था उसके भी कहीं शादी हो गई, अब इन दोनों का लेकिन कनेक्शन बना रहा। ये जो लड़की थी इसकी वाइफ, इसका भी कनेक्शन फोन से बना रहा, तो आखिर निश्चय हुआ, उसने वहां डिवोर्स दिया इससे शादी, इसने यहां से डिवोर्स दिया अपने घर चली गई, माँ बाप ने आगे इसको साथ नहीं दिया, और इन्होंने जो मैरिज की वो 1 साल चली, 1 साल के बाद दोनों ऐसे दुश्मन बन गए, कोर्ट में पहुंच गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, देखो कितनों का जीवन नष्ट हो गया, जीवन डिप्रेशन से भर गया। इसलिए युवकों में डिप्रेशन का ये एक बहुत बड़ा कारण है। मैं नहीं कहता आप मैरिज ना करो, लेकिन सोच समझ के माँ बाप बैठे हैं, जो भारतीय हमारी कल्चर थी ना, ये बहुत महान थी, कुंडलिनी मिलाते थे, कुंडलिनी मिलाने का अर्थ होता है संस्कार मिलन होगा भाई, सदा का साथ होगा, तो बी वाइज, बहुत समझदार है हमारे युवक, वेल एजुकेटेड है, मैंने कहा था अपनी एजुकेशन को अपनी विजडम बना लो, और इमोशनली कुछ ना करो, ऐसे ही किससे वायदे ना कर लो झूठे सच्चे, फिर उनको निभा नहीं पाते। रियल प्यार हम एक मदर और उसके बच्चे के बीच जो होता है उससे समझ सकते हैं, पति पत्नी के बीच भी रियल प्यार अगर है तो क्लेश नहीं होगा, आपस में टेंशन नहीं होगी, एक दूसरे के लिए सम्मान होगा, निर्मल प्यार होगा, इसको कहते हैं वाइसलेस लव, ये अंतर है। तो आपने अपनी बात से एक बहुत गहरी पहलू को जीवन पे छुआ, वो है शादी विवाह। जैसा कि आपने कहा कि हमारी संस्कृति में जो अरेंज मैरिज का कल्चर है वह हमेशा से ही उसकी सफलता देखने को मिलती है, और लव मैरिज के जहाँ तक केस है हमें उनके विफल होते हुए हम उनको देखते हैं। तो वो कौन सी बातें हैं जब हर किसी के जीवन में एक समय आता है जब उसे अपने लिए एक जीवन साथी चुनना रहता है, तो किन बातों का ध्यान में उसको उस समय रखना चाहिए, अपने आप को वह कैसे तैयार करे जीवन की उस संस्था के लिए, उस पड़ाव के लिए, और सामने वाले इंसान को वह किस प्रकार से अपने अनुरूप चुने, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें।
बात है, क्योंकि मैरिजेज तो होनी है, जीवन साथी सबको लेने हैं। और मैं ये भी नहीं कहता कि जिससे आप प्यार कर रहे हैं उससे आप मैरिज ना करें, कहीं कहीं वो भी ठीक होता है, लेकिन माँ बाप की सहमति से एक तो हो ताकि हमारे बड़ों की दुआएं हमारे साथ हों, और थोड़ा सा एक दूसरे को परख लें अच्छी तरह से। इमोशनली मनुष्य एक दूसरे को परख नहीं पाता। एक लड़की ने मुझे फोन किया, तो मेरा ये कांटेक्ट बहुत रहता है, मैं आपको दो चार सुना देता हूँ। भाई जी, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। क्या हुआ, मैंने शादी कर ली किसी से, अब उसके घर आई हूँ, वो पता चला ये तो इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है। मैंने माँ को फोन किया, माँ ने कह दिया हमारे दरवाजे बंद हैं, यहाँ नहीं आना, अब मैं क्या करूं। तो ये ऐसी बातें, देखो फंस गई ना लड़की, भोली लड़की होगी, फंस गई बेचारी, जीवन अपना नष्ट कर लिया। तो दूसरे को थोड़ा परखें, व्यक्ति समझदार है, उसके अच्छे संस्कार हैं, हम एक दूसरे को सुख ले दे सकेंगे, एक दूसरे के गुड फ्रेंड बनकर रहेंगे। केवल विषय विकारों की बात थोड़ा ही है, हम एक दूसरे के गुड फ्रेंड बनकर रहेंगे, हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे, हम एक दूसरे के लिए होंगे, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, देश के लिए अच्छी अच्छी रिसर्च करेंगे, जो भी फील्ड है, जो हमारी जॉब है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये सब थोड़ा सा देख कर परख कर हम आपस में चुने, अगर आपस में भी करना है, और नहीं तो माँ बाप की सहमति से करें, वो कराएं, ताकि वो घर भी देख लें, वर भी देख लें, दोनों बातें प्रसिद्ध होती है ना, घर भी अच्छा हो। अब लड़की चली तो गई, अब सास से नहीं बन रही है, कभी कभी देवर से नहीं बन रही, ननंद से बहुत झगड़ा हो रहा है, वो उसे बार बार इंसल्ट कर रही है, तो ये सब बातें भी वो देख लेते हैं माँ बाप, क्योंकि अनुभवी होते हैं, समझदार होते हैं, उन्हें संसार का अनुभव होता है। तो ये कुछ चीजें काउंट करें फिर निर्णय लें। बिल्कुल गुरुजी, आपकी बातों को सुनकर यह साफ स्पष्ट होता है कि इस चीज से जुड़ी कितनी समस्याएं हमारे समाज में हैं, कि कितनी समस्याएं आपके पास आती हैं। YouTube से एक दर्शक का प्रश्न है कि मेडिटेशन करते हुए उनको थॉट्स काफी थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स को कंट्रोल करने का क्या तरीका है मेडिटेशन के समय? हाँ, ये देखिए, होगा ही शुरू में हम थोड़ा सा प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे अपनी, और मैं आत्मा हूँ इसका विजुअलाइजेशन ज्यादा करेंगे। अपने प्रैक्टिसेज में हम एक चीज और लेते हैं जो अभी मैं आपके साथ नहीं ले रहा हूँ, 5-6 दिन के मेडिटेशन में, उसको कहते हैं हम स्वमान, सेल्फ रेस्पेक्ट, जिससे हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ती है। उसकी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है। जैसे उसमें पहला है, हम भगवान के बच्चे हैं, देयर फोर वी आर ग्रेट, तो मैं एक महान आत्मा हूँ, इसको आप सारा दिन याद रखेंगे, थोड़ा रिपीट करते रहेंगे मन में, तो आपके अंदर छुपी हुई जो मानताएं हैं वो एक्टिव होती जाएंगी, बुराई छूटती जाएंगी, मन के भागदौड़ पर इसका गहरा इफेक्ट होगा। दूसरा हमारा संकल्प होता है, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसको रिपीट करते रहेंगे तो ये संकल्प आपको एनर्जी भी देगा, और एक संकल्प अनेक वेस्ट थॉट्स को नष्ट कर देता है। जैसे बदबू बहुत हो, एक सुंदर सी अगरबत्ती खुशबूदार जला दी जाए तो सारी बदबू खत्म हो जाती है। तो ये स्वमान की प्रैक्टिसेज हैं, इनको करने से भी मन का जो विचलन है वो रुक जाता है। मैं लोगों को एक चीज और कराया करता हूँ, जिनका मन बहुत भटकता है, कि वो सवेरे उठकर 108 बार लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसे मन को रोकने में काफी मदद मिलती है। और जिनको रात को नींद नहीं आती, मैं यहाँ आपके माध्यम से भी सबको बता देता हूँ, वो रात को सोने से पहले लिखें बैठकर शांति में, मैं एक महान आत्मा हूँ, नींद आने लगेगी। तीसरी बात यह है कि कंसंट्रेशन नहीं होता तो सारा दिन थोड़ा ध्यान दें, कि सारा दिन हम व्यर्थ देखते तो नहीं, व्यर्थ सुनते तो नहीं, व्यर्थ बोलते तो नहीं, मुकेश भाई, व्यर्थ सुनते तो नहीं, कहीं हम व्यर्थ में तो नहीं रहते,
व्यर्थ में अगर रहेंगे तो फिर उसका इफेक्ट सवेरे जरूर आएगा। और चौथी बात, सोने से पहले थोड़ी अच्छी प्रैक्टिसेज करके सोएं, क्योंकि जैसी मनोस्थिति दिन के एंड में होगी वैसी स्थिति बिगनिंग में होती है, ये नियम है। थोड़ी प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे और धैर्य रखेंगे, विश्वास रखेंगे, हो जाएगा, एकाग्रता अच्छी होने लगेगी। बहुत सुंदर गुरु जी। आखिरी प्रश्न कि आजकल युवाओं में व्यसन की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ज्यादातर युवा किसी न किसी व्यसन से ग्रस्त हैं। वे उन्हें शुरू तो बड़ी आसानी से कर देते हैं, लेकिन बाद में चाहते हुए भी उनको छोड़ नहीं पाते और उनका जीवन बर्बादी की राह पर निकल पड़ता है। इस चीज से वो कैसे निजात बिल्कुल पाए, कई लोग ऐसे से वो कंट्रोल करें। बिल्कुल, बहुत ही ज्वलंत क्वेश्चन आपका है। हमारे पास में ही कोटा है, मैं वहां आता जाता हूँ। कोटा में आपको पता हो खेती होती है, डोडा और पोस्त की, और ये अफीम आती वहां बनाई जाती है। जो वहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं, लाखों बच्चे रहते हैं, कईयों को उनमें आदत पड़ जाती है। वहाँ लोगों ने केंद्र भी खोले हैं, सोशल वर्कर्स ने, बच्चों को बचाने के लिए। तो कई बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, क्योंकि इनको शुरू करना तो इजी है जैसे आपने कहा, और फिर इनकी आदत इतनी बुरी पड़ जाती है कि इनके चंगुल से छूटना बहुत ही कठिन होता है। वहां मुझे बताया, वो जो उसका हेड था उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो मिलने आया था, चर्चा करनी थी कि और क्या करें हम कोटा में। तो कहा कि अच्छे अच्छे घरों के लड़के चोरी करने लगते हैं, क्योंकि पैसा कहाँ से लाएंगे, रोज इतना खर्च होता है। तो लज्जा भी आती है जब उनके माँ बाप को बताया जाता है। बच्चे हैं, जेल में भी नहीं डाल सकते, उनके माँ बाप को बताते हैं, उनको बहुत लज्जा आती है। तो ये ऐसी चीज होती है, क्योंकि क्या होता है, हमें सब युवकों को जानना चाहिए कि जो व्यसन है ये ब्रेन की शक्तियों को खा जाते हैं। बस मैं सरल शब्दों में बोल रहा हूं। बहुत सारे युवक 35 साल की आयु तक जाते जाते जिनको ड्रिंकिंग की आदत पड़ गई थी, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का लीवर फेल हो गया, कोई हार्ट पेशेंट बन गए, मृत्यु हुई। मेरे पास एक ऐसा अच्छा उदाहरण है एक जगह का, मतलब बहुत ही भारी उदाहरण। बहुत साहूकार परिवार, दो भाई, बड़ा भाई बहुत बड़ा आदमी है, छोटे भाई का बड़ा बिजनेस था, 35 साल की उम्र थी, मृत्यु हुई शराब के कारण, छोड़ ही नहीं पाया। बेचारे दो छोटे बच्चे और पत्नी रोते ही रह गए। तो हम लक्ष्य बनाए, अगर हमें संसार में कुछ करना है, अगर अपनी बुद्धि का विकास करना है, अगर अपने देश को कुछ देना है हमें, तो इन व्यसनों से हम मुक्त हो जाएं। आजकल तो और चीज तो छोड़ो, इनसे बीमारियां पैदा हो रही हैं बहुत ज्यादा। एक कावी अभी का केस था, वो ये खाने के आते ना, तंबाकू वक्कू कई चीजें वो खाता था, कैंसर हो गया मुंह में, फिर भी उससे नहीं छूट रहा है। डॉक्टरों ने, परिवार वालों ने लाख कोशिश की, फिर भी छुपा के खा रहा है, मृत्यु हो गई आखिर। सब रोते रह गए और उसका भविष्य भी बिल्कुल अंधकार में हो गया। इसलिए पहले तो इसके जो ये नुकसान है, इनको हमारे सभी युवक भाई बहने समझें और इनसे बचेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये युवा काल स्वर्ण काल है, जीवन का डायमंड पीरियड ऑफ लाइफ है। इसमें हम जितना अपने को एफिशिएंट बनाएंगे उतना अच्छा होगा। मैं विधि बता देता हूं और बातों में ना जाकर, अगर आप रोज ये अभ्यास कर लें, जब भी सवेरे उठें, मैं आत्मा हूं, आई एम प्योर, मैं पवित्र हूं, 7 बार कर लें, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, तो प्योर संस्कार जागृत हो जाएंगे। ये संस्कार आप ही छूटने लगेंगे, पावर आएगी आत्मा में, क्योंकि मनुष्य को अब पावर की जरूरत है ताकि वो अपनी आदतों को कंट्रोल कर सके। थोड़ा मेडिटेशन पे ध्यान दें, हम करा रहे हैं, कल और अच्छा कराएंगे, कि सर्वशक्तिवान से शक्तियां हमें मिल रही हैं, वो हमारे अंदर आ रही हैं मन में, उससे आपकी कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी। दो सुंदर संकल्प आपको मदद करेंगे। मैं भगवान की संतान हूं, मैं बहुत प्योर हूं। भगवान की संतान होने के नाते ये व्यसन आदि ये मुझे शोभा नहीं देते, ये राक्षसी भोजन है। दूसरा, एक बहुत गहरी बात मैं सभी भाई बहनों को कह रहा हूं, लास्ट बात है,
सुन ले ध्यान से, हम भारतवासी जो अपने को हिंदू कहला रहे विशेष रूप से, वो देवों की संतान हैं। देखो हमारे नाम भी देवताओं के नाम पर हैं, हमारे अंदर देवत्व है बहुत ज्यादा। आप रोज सवेरे ऐसे ही ये भी याद किया करें, मैं देव कुल की आत्मा हूं, मेरे अंदर देवत्व समाया हुआ है। जिन देवी देवताओं की पूजा हम कर रहे थे वो हम ही हैं। श्री कृष्ण अकेले थोड़ा ही थे, उनके साथ उनका पूरा राज्य था, वो सब देवी देवता थे, हम भी देवी देवता थे। तो तीन बातें सवेरे याद करेंगे, मैं आत्मा पवित्र हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, देव कुल की हूँ, मेरे अंदर देवत्व है। तो डिवाइन संस्कार जागृत हो जाएंगे, ये संस्कार नष्ट हो जाएंगे। बहुत सुंदर। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने बड़ी से बड़ी बुरी आदत और बड़े से बड़े व्यसन को सहजता पूर्वक संकल्प शक्ति से त्याग सकते हैं। आज के इस व्याख्यान में आपने विभिन्न पहलुओं को छुआ, काफी अलग अलग विषयों पर बातचीत हुई। उसके अलावा आपने हमारी संकल्प शक्ति को दृढ़ करने के काफी माध्यम बताए। ध्यान और योग से सच्चिंतन को अपने मन में लगाकर अपने मन को एक कचरे घर से एक स्वर्ण पात्र जो सच्चिंतन से भरा हो वो कैसे बनाए वो मार्ग बताएं। परमादरणीय कल्पना भंडारी जी और श्रीनिधि भाई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वे हमारे सेशन के दूसरे चरण को आगे बढ़ाएं। मैं आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि आज के इस सेशन में आपने हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। हम कल आपके साथ फिर इसी समय इस सेशन में जुड़ेंगे। तब तक के लिए ओम शांति, सादर प्रणाम। परमादरणीय कल्पना जी और श्रीनिधि जी से मेरा विनम्र निवेदन कि वे अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें और हमारे सेशन को आगे बढ़ाएं। ओम शांति। ओम शांति। इस फिटनेस के अनुभव सीरीज के राजयोग मेडिटेशन सेशन में आज तीसरे दिन में आप दोनों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अब तक के हमारे दो सेशन बहुत अच्छे गए, हमारे दर्शकों को और हम सभी को बहुत आनंद आया, काफी चीजें सीखने को मिली, जीवन मूल्यों के बारे में जानने को मिला। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आज के सेशन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद प्रियदर्शन जी, धन्यवाद। बहुत कुछ सीखा आपने ऐसे कहा पिछले कुछ सेशंस में, तो हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने किस किन किन बातों पर प्रकाश डाला और किन किन बातों को समझा, क्या विशेष रहा आपके पिछले सेशंस में। अशरथ जी प्लीज अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। ऑल द बिफोर नमस्ते एवरीबॉडी, आर यू एबल टू लिसन मी? यस यस। सो हियर आई वुड, इफ आई वांट टू शेयर अबाउट ऑल द प्रीवियस सेशंस, एवरीथिंग वाज रियली ग्रेट एंड वी लर्न्ड अ लॉट ऑफ वैल्यूज लाइक लविंग, हेल्पिंग एंड बीइंग, ट्रैवलिंग इन ऑनेस्ट पाथ and so on. Wonderful, great. So all of you are really getting benefited by the sessions of Raj Yoga Anubhav workshops. I can see that by your expressions, and not your expression, I can't see your expressions, but yes, the responses you are giving are very good, and I can understand how much you are learning from all the sessions. So today we are again coming to you with extending sessions of on values. So values के बारे में आगे और अधिक हम एक्सप्लोर करेंगे। कल और परसों के सेशंस में हमने वैल्यूज क्या होती है उन्हें अपने पर्सनल वैल्यूज के रूप में हमने देखा, अनुभव किया कि मुझमें कौन सी वैल्यूज हैं। फिर हमने ये भी देखा कि हमारे आसपास जो लोग हैं, जो हीरोज एंड हीरोइंस के रूप में हम उनको देखते हैं,
उनमें कौन सी वैल्यूज है, और वो कोई दूर नहीं है या स्क्रीन पर नहीं है लेकिन हमारे साथ है, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उनसे भी वैल्यूज को हमने देखने का एक चश्मा लिया कि हम दूसरों में भी वैल्यूज को देख सकें और खुद में भी देख सकें। कई बार ये चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। अगर हम किसी से पूछते हैं भाई आप में कौन कौन से गुण हैं आप बताइए, तो वो सोच में पड़ जाते हैं क्या मेरे में कुछ गुण है भी। उसी तरह से कई बार हम पूछते हैं आप में कौन सी वीकनेसेस है, कौन से अवगुण हैं वो जरा बताइए, तो वो भी कई बार हमें पता नहीं होते हैं कि मुझ में अवगुण क्या है। तो लोग जब कहते हैं कि आप में ये बुराई है, ये कमी है, या लोग जब हमें याद दिलाते हैं कि आप में ये गुण है, ये अच्छाई है, तब हमें पता चलता है कि मुझ में ये गुण या अवगुण है। तो अक्सर ये चश्मा दूसरों की नजर से हम अपने आप को देखते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी अब हम उससे आगे बढ़े हैं कि मैं अपने अंदर के गुणों को देख पा रहा हूँ और मैं दूसरों के अंदर से भी गुणों को उठा पा रहा हूँ, उसको अपने जीवन में ला पा रहा हूँ। लोग तो हमारे आसपास है ही, पर हमारे आसपास कई ऐसी चीजें हैं जिनसे हम गुण सीख सकते हैं, वैल्यूज को सीख सकते हैं। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं? क्या है हमारे आसपास जो हमें मूल्य सिखा कर जाते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं? कोई चीजें याद आ रही हैं जो हमें मूल्य सिखा कर जाती हैं? उन चीजों की वैल्यू कई बार हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जी प्लीज एनीबडी गिविंग आंसर। मूल्य सीखने के लिए हमारी दृष्टि को इस तरह से डेवलप करना जरूरी है। पिछले सेशन में मैं सुन रही थी सूरज भाई जी को, तो उन्होंने वृत्ति की भी बात कही, जो हम डिस्कस कर रहे थे प्रेम की भावना की बात की, हेल्पिंग नेचर की बात की। उस समय भी हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो प्रकृति है उससे भी हम सीख सकते हैं। हमारे हम अभी जिस कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल फोन को यूज़ कर रहे हैं उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो क्या सीख सकते हैं हम मोबाइल से या कंप्यूटर से, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी? कौन से गुण को हम सीख सकते हैं? तो आप शेयर कर सकते हैं कि अगर ऐसी कोई चीजें हैं, हमने लोगों के बारे में बात की कल हीरोज एंड हीरोइंस में, और अपने अंदर क्या वैल्यूज हैं ये भी हमने देखा। तो अब सवाल ये है कि चीजें जो हमारे आसपास हैं, फिजिकल चीजें हो सकती हैं, प्लांट्स हैं या घर में इक्विपमेंट्स हैं, उनसे भी हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो हर एक की अपनी उपयोगिता है ना, हर वस्तु की अपनी उपयोगिता है, तो उसके अंदर भी कुछ वैल्यूज हैं। बिल्कुल है, हर एक चीज में वैल्यू है। जैसे आप नोटपैड और पेन लेके बैठे, आज कागज है A4 शीट का और कुछ डेकोरेटिव सामान है, कलर्स लेके बैठे हैं ना सभी। हम सभी को अभी काम करना है थोड़ा सा, तो सभी के पास वो चीजें होगी। यस यस, अनन्या कह रही यस है उनके पास। तो उन चीजों से हम क्या सीखते हैं? पेपर है, समझो आपके सामने एक प्लेन पेपर है, कोरा कागज है। वो कोरा कागज हमें क्या सिखाता है? कैसे बिल्कुल प्लेन पेपर को हम कलरफुल कर सकते हैं कलर से, और उस पे हम जैसे हम चाहें अपनी इमेजिनेशन को यूज कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। पेपर कभी आपको शिकायत नहीं करता है कि मुझे किस तरह से आपने यूज किया। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे याद है कि मैं एक स्कूल में एज अ टीचर पढ़ा रही थी, एंड मुझे कहीं बाहर जाना था 5 मिनट के लिए प्रिंसिपल के पास। तो क्लास को एंगेज करना था, तो मैंने उनको हर एक को एक एक शीट ऑफ पेपर, छोटा सा चीट दिया पेपर का, और कहा कि मैं जब 5 मिनट में आके बाद वापस आऊंगी तब इस चीट का आपको इस्तेमाल किया हुआ दिखना चाहिए। तो वो चीट हर एक के पास थी, तो जब 5-10 मिनट के बाद मैं वापस आई तो उस चीट के साथ क्या क्या बन गया होगा
किसी ने उस पर पोएम लिखा था, किसी ने उसको फोल्ड करके बहुत खूबसूरत शेप्स दिए थे, किसी ने उसका एरोप्लेन बनाया था और किसी ने उसको बहुत रब करके तोड़ मरोड़ के एक दूसरे के ऊपर फेंकने के लिए इस्तेमाल किया था। तो चीज एक ही थी सबके पास, लेकिन हर एक ने उसका इस्तेमाल अलग अलग तरह से किया था। इससे क्या पता चलता है हमें प्रियदर्शन जी? इससे हमें ये पता चलता है मैम कि पेपर किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, वो उसको जिस रूप में ढाल दो वो उसी का रूप ले लेता है और उसी अनुसार अपने आप को बना लेता है। ये हुई पेपर की विशेषता, लेकिन पेपर इस्तेमाल करने वालों की विशेषता क्या नजर आई? उन्होंने पेपर को कैसे कैसे इस्तेमाल किया? इससे हम उनको क्रिएटिविटी देखने को मिलती है कि हम चीज तो एक ही है लेकिन उसको इस्तेमाल करने का और उसको देखने का नजरिया और वो कितना अलग अलग। नजरिया, सही बात कही आपने, नजरिया कहते हैं उसको, वृत्ति कहते हैं। जिसके पास जो होगा वही एक्सप्रेस होगा। अगर मुझे पेपर मिला है और मेरे पास एक पोएम अच्छी सी मेरे माइंड में बन रही है तो मैं उस पेपर का इस्तेमाल पोएम लिखने के लिए कर सकती हूँ। और किसी व्यक्ति के पास कोई नहीं है सोचने के लिए, कुछ भी नहीं है, तो उसने पेपर को जस्ट तोड़ मरोड़ कर उसे दूसरों के ऊपर मतलब हिंसा के लिए इस्तेमाल किया, उस चीज को वॉयलेंस क्रिएट करने। वॉयलेंस बहुत छोटा है लेकिन फिर भी वॉयलेंस तो वॉयलेंस ही होता है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया। किसी ने उसके एरोप्लेन बनाया, शेप दिया, तो अपनी बुद्धि अपनी वृत्ति का इस्तेमाल कर उसको उपयोगी चीज बनाने की कोशिश की। तो इसे ही वृत्ति कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं मेरा किसी भी चीज के प्रति। अब जैसे कि लॉकडाउन का समय हमें मिला है, हम सबको मिला है प्रियदर्शन, अनन्या जी मैम सबको मिला है पेपर ये जो समय मिला है, अब ये डिपेंड करता है कि हम सभी ने मिलकर इस समय को कैसे इस्तेमाल किया। किसी ने सोचा कि अब मुझे रिलैक्सेशन मिल रहा है, मैं देर से उठ सकता हूँ, देर तक जाग सकता हूँ और जो चाहे वो कर सकता हूँ, ना पढ़ना है ना काम पर जाना है। तो क्या क्या किया आप लोगों ने इस लॉकडाउन के पीरियड में, हम जानना चाहेंगे। मैम शुरू के पीरियड में तो मैंने कुछ नहीं किया एक महीने, क्योंकि पहले तो लॉकडाउन का वो जो एक हैंगओवर था वो ही चढ़ा रहा, लेकिन एक महीने के बाद फिर सोचा कि कितना आराम करेंगे, कितना खाली बैठेंगे, तो फिर कुछ ना कुछ काम या फिर अपने हॉबीज को कुछ करना, ऐसे मैंने काम पकड़ा। और फिर उसके बाद भी तीसरे महीने से फिर जब उससे भी उग गए तो फिर फाइनली मैंने बुक्स उठा के फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई करना शुरू की। राइट अनन्या। मैम आई एम ट्राइंग टू फॉलो माई हॉबीज, मैं पेंटिंग कर रही हूँ और आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, बिकॉज आई डिडंट गेट वेरी ऑफन मुझे टाइम मिल सके फैमिली के साथ बैठें और हम बातें करें। और सारी फैमिली जब इकट्ठे बैठती है तो बहुत अच्छा लगता है शाम को कि सबके पास अब टाइम है, सब फ्री हैं तो वो वक्त गुजार सकें। और फिटनेस पे काम करने की मैं लॉकडाउन की शुरुआत से कोशिश कर रही हूँ बट मैं नहीं कर पा रही हूँ वो, तो दैट इज द ओनली थिंग आई रिग्रेट। यस यस। सो अनन्या आपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, तो आप उनके करीब आए या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ कुछ अनचाही बातें हुई? मैं कहूंगी कि थोड़ा सा अगर वो बातें भी होती हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं एक बेटर रिलेशनशिप बिल्ड होती है, जो बाद में फिर बात होती है उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद, तो वो एक बेटर रिलेशनशिप के तौर में समझ आती है। वंडरफुल, ग्रेट। मतलब कि कुछ भी अनप्लेजेंट भी हो रहा है तो उसमें भी हमें जानने को मिल रहा है पर्सनालिटीज के बारे में, लोगों के बारे में, और उसे भूल कर हम उनके करीब आ पा रहे हैं क्योंकि वो हमारी फैमिली है जिनसे हम कभी भी दूर नहीं जा सकते चाहे कितने भी अनबन हो जाए। अशरफ जी आपका क्या लॉकडाउन पीरियड का एक्सपीरियंस रहा?
Ah, yes, ma'am, I'll also share. At the first of the lockdown, I also started relaxing and I used to follow my hobbies like playing chess and reading books. But after a month or so, as I'm studying in class 10, they have started online sessions for school. So in that way, all of the time went, ma'am. Okay, great. So, यहाँ पर एक चीज हम आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहेंगे वो है अपना डेली टाइम टेबल स्केड्यूल प्लान करना इज वेरी इम्पोर्टेंट चाहे लॉकडाउन पीरियड है या चाहे लॉकडाउन का पीरियड नहीं है फिर भी हमें हर दिन को हमें प्लान करना होता है डिजाइन करना होता है उस डिजाइन करने को ही हमारे वेदों में शास्त्रों में कहा है कि रचना का कार्य करना रचना का कार्य किसका है जो हमारे शास्त्रों में आदि दिखाते ब्रह्मा जी का है ब्रह्मा नई सृष्टि की रचना करते हैं तो वैसे हम अपने लाइफ के ब्रह्मा बनकर अपने दिन को क्रिएट करें कि आज सारे दिन में मुझे क्या क्या करना है और अगर एक हाँ जी श्रीनिधि भाई कुछ ऐड करना चाहते हैं जब दीदी ये बात कह रहे थे कल्पना दीदी ये बात कह रहे थे कि हम देखते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज दूसरे कल्चर्स में भी देखने को मिलती हैं ये सिर्फ भारतीय दर्शन का या भारतीय जो धर्म परंपराएं हैं उसके बारे में ही नहीं अगर आप वेस्ट में भी देखें जो वेस्टर्न रिलीजन्स हैं इस्लाम है फिर क्रिश्चियनिटी है तो वहां पर भी ये चीज सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है तो भारत में जैसे त्रिमूर्ति है वैसे क्रिश्चियनिटी में भी त्रिमूर्ति है जिसे ट्रिनिटी कहा जाता है ट्रिनिटी कहा जाता है और जैसे हम ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता मानते हैं कहते हैं भारत में भारतीय धर्मों में अगर आप वैसे ही देखें तो ये माना जाता है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची राइट तो इसलिए जैसे नारद मुनि हैं तो उनको कहा जाता है कि वो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं यानी वो ब्रह्मा के मन से पैदा हुए तो तात्पर्य ये है कि कोई भी क्रिएशन हम पहले थॉट से करते हैं विचार पहले आते हैं तो ये एक मिथोलॉजिकल रिलेशनशिप है जो हमें रियलिटी को बताने के लिए एक स्टोरी है स्टोरी और यही मजेदार बात अगर आप देखेंगे तो इस्लाम में भी ये बात कही जाती है कि अल्लाह ने सिर्फ ये विचार किया उसने सिर्फ सोचा और हो जाओ और ये कायनात बन गए तो इसके लिए बहुत सुंदर लाइन है कुन फाया कुन आपने गाना भी सुना होगा ना कुन फाया कुन रॉक स्टाफल का गाना है right. तो इसका मतलब ही ये है कुन यानी हो जाओ और सृष्टि बन गई तो संकल्प से सृष्टि बनती है तो हम खुद अपने थॉट्स जो क्रिएट करते हैं उससे हम अपनी सृष्टि बनाते हैं मैं श्रीनिधि भाई को थैंक्स कहना चाहती हूँ मुझे थोड़ा सा अपडेट करने के लिए तो संकल्प से सृष्टि का जो निर्माण होता है तो हमारे दिन की शुरुआत हम अपने संकल्पों से करें ऐसे पॉजिटिव क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव और सिस्टमैटिक थॉट्स हम क्रिएट करें जिससे कि हम सारे दिन को विजुअलाइज कर सकें कि आज सारे दिन में मुझे क्या क्या अचीव करना है क्या क्या ओवरकम करना है अनन्या को मैं कहना चाहती हूँ अनन्या जैसे आपने टारगेट रखा है अपनी फिटनेस के लिए वैसे हम में से हर एक कोई रखता है क्योंकि हेल्थ हमारा पहला प्रायोरिटी है लाइफ की फिटनेस भी हमारी प्रायोरिटी है तो कई बार हम फिटनेस के लिए कुछ काम शुरू करते हैं दो चार दिन में हम उसमें लेजी हो जाते हैं या वो बोर हो जाते हैं या नहीं कर पाते हैं तो वैल्यूज के इन सेशंस में हम यही सीखते आ रहे हैं कि हमें डिटर्मिनेशन बढ़ाना है और प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो इन चीजों को चैलेंज समझ कर लेना है कि मुझे इतने दिन में इतना टारगेट अचीव करना है अगर फिटनेस के को लेकर हम बात करते हैं तो आज सारे दिन में मुझे फिटनेस का ये प्रोग्राम फॉलो करना है और इस वीक में मुझे फिटनेस के इस गोल को अचीव करना है ये तो हुई जनरल बातें अब हम आज के दिन पर बढ़ते हैं जो वैल्यूज का हमारा चल रहा है टॉपिक उसको हम थर्ड डे के सेशन में ले चलते हैं आपको और हमने कल कहा था आपको कि हम आपको कुछ कार्य करवाएंगे परंतु उसके पहले हम आपको एक कमेंट्री देंगे जिसको जो भी मेडिटेशन हम प्रैक्टिस करते हैं राजयोग मेडिटेशन
उसमें भी कई सारी कॉमेंट्रीज अवेलेबल है जिसके माध्यम से आप कंसंट्रेशन की जहाँ बात कर रहे थे ना, मन की एकाग्रता की, बहुत ज्यादा विचार चलते हैं, तो इसको गाइडेड मेडिटेशन कहा जाता है कि आप बस शांति से बैठे रहे और आपको विचार दिए जाएंगे, उन विचारों को आपको मन में अनुभव करना है, उसके साथ जुड़ जाना है। तो हम अभी आपको कुछ विचारों के साथ एक टूर पर ले जाएंगे, एक यात्रा पर ले जाएंगे। वो मन की यात्रा है, बुद्धि से की जाने वाली यात्रा है, वो मेडिटेशन का एक पार्ट है। उसको हम कह रहे हैं रीकिंडल द ड्रीम्स, रीकिंडल द ड्रीम्स। अब रीकिंडल द ड्रीम्स का मतलब क्या है कि हम अपने भविष्य में अपनी कुछ बातों को इस तरह से देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनन्या देखना चाहती है कि वो फिट हो जाए, प्रियदर्शन देखना चाहता है कि वो सिस्टमैटिक हो जाए या उसका कंसंट्रेशन बढ़े, या नफीसा देखना चाहती है कि वो अपनी पढ़ाई में कुछ अव्वल मार्क्स हासिल करे, या फिर अपनी फैमिली में विशेष प्रकार के पर बदलाव की बात वो सोचती है। तो उसके लिए हम एक विजन क्रिएट कर सकते हैं। तो वही उसी प्रकार का विजन वैल्यूज के बेसिस पर हम आपको देने जा रहे हैं। तो सभी अपनी अपनी जगह पर अलर्ट होके बैठ जाएं, गहरी और लंबी सांस लें, ब्रीदिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मेडिटेशन के पहले, अपने मन और शरीर को रिलैक्स करने के लिए। और अब श्रीनिधि भाई आपके लिए एक कमेंट्री रीड करेंगे, उस कमेंट्री के साथ हम सभी उसका अनुभव करेंगे। Sit comfortably and allow your body to relax. आराम से बैठें और अपने शरीर को आराम दें। Let your feet be relaxed. Let your hands rest on your lap. अगर आप चाहें तो अपनी आंखें खुली रखें, या आप चाहें तो अपनी आंखें बंद करें। बहुत धीरे से अपने अवेयरनेस को, अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाएं। गहरी लंबी सांस लें और महसूस करें इस सांस को। सांस के आने और जाने की इस प्रक्रिया को ऑब्जर्व करें। मेरी हर आती जाती सांस को मैं ध्यान से देखता हूं। कुछ ही घड़ियों में मैं महसूस करता हूं कि मेरी सांस लेने की प्रक्रिया धीरे होती जा रही है। मेरी सांसें लंबी और गहरी होती जा रही है।
I notice that my breath is calming down. Let your body relax. Oh, mera shareer aaram mehsoos kar raha hai. Jaise aap relax kar rahe hain, वैसे ही इमेजिन करें, कल्पना करें, इमेजिन अ लार्ज बबल सॉफ्टली फ्लोटिंग डाउन नेक्स्ट टू यू. एक बड़ा गुब्बारा हवा में तैरता हुआ नीचे को आपकी तरफ आ रहा है. ये गुब्बारा आपके नजदीक पहुंच गया है. द बबल हैज कम टू यू. And on this bubble, there is a door. On this door, there is a sign which reads, "Step inside, and the bubble will float you to a place of your dreams." इस गुब्बारे के ऊपर लिखा हुआ है कि आओ, मेरे अंदर आओ. और ये गुब्बारा आपके स्वप्न की जगह पर ले जाएगा. आप धीरे से इस गुब्बारे के अंदर आते हैं और ये गुब्बारा हवा में तैरने लगता है. दिस बबल बिगिन्स टू फ्लोट. It floats above the building and it begins to travel. ये गुब्बारा हवा में तैरते हुए ऊपर उठता है और आप एक यात्रा शुरू करते हैं. आप अपनी बिल्डिंग से ऊपर आ गए हैं. अब आप ऊपर से चीजों को देख पा रहे हैं. Enjoy the scenery below you. आपके नीचे जो दृश्य दिख रहा है उसका आनंद लें. Gradually, the bubble reaches the place of your dreams and it starts to descend. अब ये गुब्बारा आपके जीवन के उस आइडियल प्लेस पे उतर रहा है. ये आपका एक ऐसा घर है जिसे आपने हमेशा परफेक्ट देखा है. ये आप अपने सपनों का घर है और यहां पर ये गुब्बारा धीरे धीरे उतरते उतरते जमीन पर जहां पर आपका घर है वहां पर उतरा है. आप अपने घर के आसपास के पेड़ पौधों को, आपके घर के आकार को, आपके घर के दरवाजे को, उसके रास्ते को देखते हैं. देखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं. ये
ये सुबह सुबह का वक्त है, आप अपने घर के अंदर देखते हैं घर के सदस्यों कि वो क्या कर रहे हैं, आप देखें कि मेरे परिवार के लोग कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो कैसे एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं, जैसे ही आप घर के अंदर पहुंचते हैं तो आप उनके फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस को जांच लेते हैं, जैसे वो एक दूसरे से मुलाकात करते हैं आपको महसूस होता है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, नाउ यू वॉक अराउंड योर होम noticing the spaces, the colors, and the light. This is how you would really like it to be. You go to the place that you love the most in your home. And I see the way the people in our family are behaving. My mother, my father, my brothers and sisters, my grandparents, my relatives. इन सब को देख के कैसा लगता है? घर का एटमॉस्फेयर कैसा है? घर का वातावरण कैसा है? जब आप देखते हैं कि ये सारे लोग साथ में काम कर रहे हैं, ये सारे लोग पूरा दिन आपके साथ हैं, तो आपकी अंदर की महसूसता क्या है? What is your feeling? इस जगह की फीलिंग कैसी है? ये जगह मेरे अंदर कौन सी फीलिंग्स उत्पन्न करता है? मैं कैसे महसूस कर रहा हूं? अगले 10 सेकंड में मैं अपने आप को इन लोगों के साथ पूरा दिन बिताते हुए देखता हूं, सुबह से दोपहर, दोपहर के बाद शाम, और शाम से रात होते हुए देखता हूं। अब दिन की समाप्ति पर जब भी आप तैयार तो आप सभी को अलविदा कहें, सभी से विदा लें, सबको गुड नाइट विश करें। और फिर वापस इस सपनों के घर से बाहर आएं और देखें आपके लिए वही बबल इंतजार कर रहा है।
same bubble is waiting for you. आप इस गुब्बारे में वापस प्रवेश करते हैं. You enter into this bubble, and this bubble floats again up above the building. ये गुब्बारा फिर हवा में उड़ता है और धीरे धीरे वापस आपको यहां ले आता है जहां पर से आपने शुरुआत की थी. आप वापस लौट आए हैं. अब आप महसूस करते हैं अपने आप को बैठे हुए उसी जगह पर, उसी सीट पर. और ये बबल धीरे धीरे गायब हो जाता है. अपने ध्यान को वापस अब अपने शरीर पे लाएं. अपने पैरों को महसूस करें. अपने हाथों को महसूस करें. अगर आपने आंखें बंद की थी तो हल्के से आंखों को खोलें और अपने ध्यान को अपने कमरे में लाएं और देखें कि आप वापस लौट आए थे इस कमरे में. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. सो हम संकल्पों की एक बहुत सुहावनी यात्रा पर गए थे, जिस यात्रा में हमने एक बहुत हल्के हवा के बबल में प्रवेश किया. उसको ले जाकर हम अपने घर के आंगन में उतरे और घर के वातावरण को देखा, घर के लोगों से मिले, उनके साथ बिताए हुए समय को महसूस किया, भावनाओं को महसूस किया और फिर हम उस यात्रा से आनंद लेकर वापस लौटे. ये सारा दृश्य जो अपने मानस पटल पर हमने चित्रित किया, उस दृश्य को अब हम प्रैक्टिकल में चित्र स्वरूप देने जा रहे हैं. तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आपके पास जो प्लेन पेपर है, कलर पेंस है, पेंसिल्स है, किसी भी तरह से आप उस पेपर पर, आप आर्टिस्ट नहीं होंगे कोई बात नहीं, हमने बचपन में कई आकृतियां सीखी है, बहुत बच्चों जैसे चित्र हमने प्रेजेंट किए हैं, तो यहाँ हमें अपनी आर्टिस्टिक छवि का निर्माण नहीं करना है, परंतु जो कुछ भी हम ड्रॉ कर सके उस वाइट पेपर पर ड्रॉ करें, उसमें कलर्स भरें, उसको डेकोरेट करें. जो फैमिली का दृश्य आपने देखा, अपने घर का, अपने परिवार का, परिवार के सदस्यों का, उनको उस A4 साइज के पेपर पर चित्रित करें. हम सभी के पास 15 मिनट का समय है. उस समय में हम उन चित्र को तैयार करें. वैसे तो ये एक्टिविटी श्रीदेवी भाई 2-4 लोग मिलकर करते हैं, उसमें और आनंद आता है जब सभी लोग एक ही चित्र बनाने में जुट जाते हैं, तो सभी के कंट्रीब्यूशन के कारण वो एक कोऑपरेशन का टास्क बन जाता है. लेकिन अभी जबकि हम अलग अलग जगहों पर अपने निवास बैठे हैं, तो हम आपको अनुरोध करते हैं कि आप वो चित्र बनाना शुरू करें.
प्रियदर्शन जी सबको मार्गदर्शन करें। जी मैम, जो दर्शक हमें YouTube पर भी सुन रहे हैं वे भी एक कागज पर वो चित्र बनाए जो उन्होंने मेडिटेशन के समय इमेजिन किए। अपनी इमेजिनेशन को जिस भी रूप में आप पेपर पर उतारना चाहें, आप उसे वैसे प्रेजेंट करने के लिए फ्री हैं। जो कुछ भी आपने इस विजुलाइजेशन एक्सरसाइज में देखा, उसमें बहुत सारे दृश्य आपने देखे होंगे, तो उसको कागज पर उतारने की कोशिश करनी। म्यूजिक तो सुन ही रहा हूँ। स्क्रीन कौन सा शेयर कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी। ठीक है, क्योंकि इसमें पिक्चर नहीं डाला ना हमने, कुछ डालते तो अच्छा लगता।
जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा कलर यूज कर सकते हैं आप। ये नहीं सोचें कि ये आर्टिस्टिक होना चाहिए, जितना कलरफुल होगा तो उसमें एक्सप्रेशंस अपने आप निकलेंगे। तो जो कुछ भी आपके पास है, जो चीजें आप लेके बैठे हैं, उन सब चीजों में से कुछ ना कुछ का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपका हो गया हो तो हमें थोड़ा सा इंडिकेशन देंगे तो हम उसको आगे बढ़ेंगे। हम सब बहुत अच्छे आर्टिस्ट्स हैं। एक बार अगर हम आर्ट पर बनाने बैठ जाएं तो फिर तो घंटों घंटों आर्ट कर सकते हैं। राइट। तो जो कुछ भी आपने अब तक बनाया है थोड़ा सा उसे वाइंड अप करें, फाइनल टच दे अभी। जितना भी जैसा भी आपने चित्र बनाया है, हम चाहेंगे कि आप अपना कैमरा ऑन करके उस चित्र को शेयर करें। सो हम एक और मिनट का टाइम लेते हैं। तो आफ्टर वन मिनट वील ऑल स्टार्ट शेयर। Thank you.
शुरू करें प्रियदर्शन जी। जी मैम। हाँ जी, आपने चित्र बनाया। मैम मैंने तो मेडिटेशन में जो खुद को देखा तो पहाड़ों के बीच में और आसमान में फ्लोट करते हुए, तो वैसे ही कुछ मैंने ट्राई किया है अपने आप को प्रेजेंट करने का और अपने फैमिली मेंबर्स को देखा अपने घर के सामने, तो वैसे ही मैंने प्रेजेंट किया है कि मैं पहाड़ों के बीच में क्लाउड्स में यहाँ पर और सनराइज के समय ऐसे फ्लोट कर रहा हूँ एक बबल के अंदर में, और उसके बाद फिर मैं जब डिसेंड कर रहा हूँ तो मेरे घर के सामने मेरे फैमिली मेंबर्स सारे खड़े हुए हैं और मैं उनको उनको चेहरा उनका चेहरा उनको देख पा रहा हूँ। हाँ। और फिर अगले दिन जब दिन ढल जाता है तो फिर अगले दिन जब मैं उठता हूँ दोबारा तो फिर से मेरे दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है, तो फिर वही चीज मैंने मेडिटेशन में महसूस की कि हम उसी एडवेंचर के तहत अपने बॉडी यही है लेकिन माइंड से पूरी दुनिया घूम के बैक टू होम वापस घर पे लौट के आए, तो वैसे ही मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा अधूरा दिख रहा है आपका चित्र, दिखाइए अच्छे से और साइड से। वाओ वाओ, वंडरफुल वंडरफुल। हमारे अंदर का बच्चा बाहर आ गया। बिल्कुल मैम, हम तो बच्चे ही हैं। सभी बच्चे हैं, अगर हम अपना बचपन याद रखें तो हमेशा बच्चे बने रह सकते हैं। और कोई है जो दिखाना चाहता है अपना पिक्चर या फिर शेयर करें? नफीसा है या अनन्या है, और भी एक साइलेंट गौरव जी है हमारे साथ, कुछ ज्यादा बोलते नहीं है। Hello. Yes. Actually, my webcam is not working, but I can say it orally. Yes. So I have depicted a picture from there. I have drawn a house and I have mountains. So where birds are chirping and their voice are very melodious. Uh-huh. And there is a reviving nature which is really very soothing. And every members are happily sitting. Wow, wonderful. Great. So you could draw that kind of picture, is it? Ashraf? Yes, ma'am, I have drawn to my best. Wow, wonderful. Very nice. Great. Congratulations. And then Ananya is showing her picture. Oh, very nice. Ananya is an artist, I suppose. She has drawn a very nice picture and the beautiful colors, the greenery behind. Yeah, bahut acha. Nice. So what was your feelings when you were drawing the picture? Ma'am, I remember is I should have nature around. And when I meditated, so I was in these mountains and full of nature. Between there was a little house with my family. Mm-hmm. And I could imagine this, but couldn't make it on the paper. Wonderful. So all of us have got third eye. Ashraf, do you think so? That we have got third eye? Yes, ma'am. Yes, we can see and visualize many things through our third eye, isn't it? And so you did that. Ananya, what was your experience? Ma'am, while meditation, whatever I thought, that was on paper. Let's see. I mean, all I could imagine was mountains and greenery. ओके वंडरफुल। और प्रियदर्शन जी, आपका क्या अनुभव था फ्लोट करते समय?
आपका स्पीकर ऑफ है, स्पीकर ऑफ है। मुझे भी वैसा ही पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा अनन्या का एक्सपीरियंस रहा, महसूस हुआ पहाड़ों के बीच में, और चिड़ियाँ उड़ रही हैं, नदी बह रही है शांत, और कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल, ना किसी बात की चिंता है, ना कोई काम की जल्दी है, और अब सारे घर वाले भी साथ में, प्यार जो हमारे चाहने वाले हैं सब साथ में है, और वी आर इन दैट मोमेंट ओनली, वी आर नॉट आइदर इन पास्ट और इन प्रेजेंट। सो तो हमने देखा कि हम अपने थॉट्स से, अपने विचारों से, अपने संकल्पों से कितनी भी लंबी दूरी हो उसे तय कर सकते हैं आसानी से, और उसमें प्लेजेंट हम रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और जब हम थॉट्स की जर्नी कर रहे होते हैं तो काफी पावरफुल भी रहते हैं, क्योंकि थॉट्स में हमारे शक्ति होती है। तो यही, इसी को मेडिटेशन कहते हैं, लेकिन मेडिटेशन का और एक नाम है विजुअलाइजेशन, कि हम जो चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे उसे विजुअलाइज करें, थर्ड आई के सामने उसको पिक्चराइज करें, जो हम अचीव करना चाहते हैं तो वो अचीवमेंट के दायरे में आने लगती है चीज जिसको हम देखते हैं। तो ये विजुअलाइजेशन काफी इफेक्टिव रहता है। मेडिटेशन हमें वो अपॉर्चुनिटी देता है या ट्रेनिंग देता है कि हम विजुअलाइजेशन के माध्यम से अपने अचीवमेंट को, अपने जो चाहते हैं हम, जिस तरह का फ्यूचर चाहते हैं उसको और करीब ला सके। तो ये एक प्रयास था आपको विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कराने का। आपने अपनी फैमिली को विजुअलाइज किया, अक्सर हम वर्क प्लेस को भी विजुअलाइज करते हैं, जो स्टूडेंट अपने प्रोफेशन में चले जाते हैं तो वो वर्क प्लेस को विजुअलाइज करते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ ज़्यादा होने की संभावना होती है, जहाँ पर हम दूसरे प्रकार के लोगों से मिलते हैं। तो जो कुछ भी हम हासिल करना चाहते हैं विजुअलाइजेशन के माध्यम से, उसे अगर हम पहले से देख ले तो हम उसे अपने करीब ला सकते हैं। ये प्रयास था। लगभग 10 बजने को है, 10 मिनट है हमारे पास। हम कल के टॉपिक को ओपन अप करना चाहते हैं आपके सामने। कल हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो है पीस, शांति, जिसको हम पिछले कुछ दिनों से आप इन सेशंस में डिस्कस करते आए होंगे। तो आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप पीस को कैसे समझते हैं। पीस को अनुभव में लाने के पहले हम पीस का अर्थ जानना चाहते हैं। उस दौरान जो हमारे लर्निंग आउटकम्स में हमने टारगेट रखा है वो है, हम अपने पिछले एक्सपीरियंसेस में पीस का एक्सपीरियंस याद करें, और अलग अलग प्रकार के जो मीनिंग्स है पीस के, या फिर आप लोगों से मिले होंगे ऐसे जो पीसफुल है, तो उन चीजों को याद करें और अपने आंतरिक जो पीस की क्वालिटी है उसको भी महसूस करें। एक छोटा सा ओवरव्यू है जो पीस के लिए हम शुरू करेंगे, तो आज वक्त तो कम है बट एक ओवरव्यू दे रहे हैं, तो आप इस पर सोच सकते हैं कि शांति के मायने क्या है आपके लिए। अगर मैं आपसे पूछूं दीदी तो आप क्या कहेंगे, आपके लिए पीस को आप कैसे डिफाइन करते हैं? पीस को मैं डिफाइन करती हूँ, जब भी मैं पीस को एक्सपीरियंस करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत अच्छी जगह पर हूँ, जहाँ पर ग्रीनरी है और नेचर के सारी एलिमेंट्स वहाँ हाजिर है, और मैं वहाँ आराम से बैठी हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ और अपने विजन को क्लियर कर रही हूँ, तो वो चीज मेरे लिए पीसफुल, पीस का मायने है मेरे लिए लाइफ में। दूसरा पीस का मायने मेरे लाइफ में ये है कि लोगों के साथ मेरा जो व्यवहार है, जब भी मैं किसी के साथ मिलती हूँ तो मैं एक्साइटमेंट की जगह पर पीसफुली उनसे बात करना चाहती हूँ। कई बार नहीं भी हो पाता है वो चीज़ कायम,
लेकिन जब वो बात पूरी हो जाती है तब रियलाइज होता है कि इस जगह पर मुझे थोड़ा सा पीसफुली काम करना चाहिए था या बातचीत करनी चाहिए थी। तो रिलेशनशिप में मैं पीसफुल रिलेशनशिप को महसूस करती हूँ। तीसरा जो मेरा तरीका है कि कई बार कुछ बातें हम कहकर नहीं लोगों को समझा पाते हैं, तो वो चीज़ हम कर कर दिखाएं। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास के लोग पीसफुल रहें तो मैं खुद पीसफुल रहने की कोशिश करती हूँ। कम बोलना, नॉन रिएक्टिव होना, अपनी एक्शंस में पीसफुल होना, इसके माध्यम से सामने वाले को भी वो पीस के वाइब्रेशंस पहुंचते हैं और वो मेरे साथ पीसफुली पेश आते हैं। तो तीन तरह से मैं पीस का एक्सपीरियंस करती हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप हमारे साथी भी उस चीज को अपनी तरह से शेयर करें, पीस के मायने उनके लिए क्या है। अशरफ जी, सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। Hello, according to me, peace is where the ambience and the surrounding is very calm. And when the mind is set free with what we may think of multiple thoughts, but when the mind is set free, I think I'm in a peaceful manner. And when we are traveling through an honest path, even in that point of time, I feel peace. Yes. And when we have a loving nature with others, and when we are helping each other and we are lovingly talking to each other, I could find peace over there. Wonderful, great. Ananya? According to me, we are at peace when no matter what all noises are around, brutal are people around, but you are at your calm and you are at your utmost kind of peace, that nobody can disturb you from that moment. भीड़ कितनी भी हो, आप कहीं पर भी हो, that does not matter. But अगर आप भीड़ के बीच में भी अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं, मतलब आप एक solitude महसूस करते हैं, आप अगर उस अकेलेपन से कंफर्टेबल हैं तो वो पीस है, तो वो भीड़ आपको इन्फ्लुएंस नहीं करती, वो नॉइज आपको परेशान नहीं करता, वहाँ होते हुए भी आप एक इनर काम को महसूस करते हैं, कामनेस को महसूस करते हैं। सो दैट इज पीस। वेरी नाइस अनन्या, आई एग्री विद अनन्या, यस, मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही है। प्रियदर्शन, आप बताएं आप शांति को कैसे देखते हैं। सर, मेरे लिए शांति का मतलब स्टेबिलिटी है, और इस चीज में मैं अनन्या ने जो आंसर दिया उससे पूरी तरह सहमत हूँ, यही मेरा आंसर भी था। और स्टेबिलिटी और पीस मैं तब सबसे ज्यादा महसूस करता हूँ जब मैं वो कर रहा रहता हूँ जो मुझे करना चाहिए। जैसे एज एन स्टूडेंट मेरा काम है पढ़ाई करना, तो जब मैं बाकी कोई पढ़ाई से हटकर कोई ऐसा काम करता हूँ जिससे मेरा टाइम वेस्ट होता है, एट दैट टाइम आई फील वेरी अनपीसफुल इन फ्रॉम द विदिन। बट जब मैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करने बैठता हूं, तो एट दैट टाइम आई फील वेरी पीसफुल दैट आई एम डूइंग व्हाट आई मस्ट डू एंड व्हाट इज माय वर्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो दैट टाइम आई फील वेरी पीसफुल। वंडरफुल, ग्रेट। बहुत लोग मेरे पास आए काउंसलिंग के लिए पिछले 2 महीने के अपने एक्सपीरियंस के कारण, काफी अनकंफर्टेबल फील किया लोगों ने अपने आप में खुद को, एंड वो पीसलेस थे, बहुत ज्यादा अशांत थे। तो जब उन्हें कहा गया कि आपने पिछले 2 महीने को वो इस्तेमाल नहीं किया जिस कारण से आपको ये अनकंफर्ट फील हो रहा है, पीसलेसनेस फील हो रहा है, तब उन्हें आश्चर्य लगा कि ऐसा भी होता है। तो जब हमें जो प्रियदर्शन ने सही कहा, जो काम हमें रोल मिला है उसको जब हम अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ प्ले नहीं करते हैं तब हम अशांत महसूस करते हैं। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई करना मेरा काम है, अगर मैं कोई और मेरा रोल है फैमिली में तो उसे अच्छी तरह से निभाने से मुझे पीस मिलता है। वेरी गुड, नाइस। मैं ये बात सोच रहा था कि लॉकडाउन हो या ना हो, हम में से कुछ लोग पीस चाहते हैं,
हम लोग अक्सर ये लोगों को कहते भी है ना, 2 मिनट की शांति भी नहीं दे रहे हैं आप मेरे को, और अक्सर हम लोगों को कहते हैं कि आप 2 मिनट की शांति मुझे नहीं दे रहे हैं। तो मैं अक्सर ये सोचता था पहले कि ऐसे कैसे कहते हैं कि आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें शांति दें, और अगर वो दे नहीं रहे हैं तो फिर हम उनको कैसे मजबूर करें कि वो दे हमें वो चीज। कभी कभार ऐसा होता है जैसे आपके पास कोई चीज है, अगर आप नहीं दे रहे तो मैं छीन सकता हूँ उस चीज को, बट जब मैं ऐसे ही शांति के लिए कह रहा हूँ कि आप 2 मिनट शांति मुझे नहीं दे रहे हो, तो मैं छीन क्यों नहीं पा रहा हूँ शांति को उनसे। तो ये बड़ा मजेदार लगता है। इसका रीजन है कि मैंने अपने आप में शांत रहना रहने की प्रैक्टिस नहीं की है, इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे अशांत कर रहे हैं। वास्तव में वो नहीं कर रहे होते हैं, मेरा आदत बन जाती है इसलेसनेस की। तो उस आदत को बनाना, जैसे अनन्या ने कहा कि आसपास कितना भी शोर हो, कुछ भी हो रहा हो, लोग कैसे भी रिएक्ट कर रहे हो, मेंटल पीस जिसको प्रैक्टिस है उस चीज की, वो उनके बीच में रहते हुए भी शांति का अनुभव कर सकता है। तो यस, मैंने भी इस बात को प्रैक्टिस में लाया है, जिसके कारण से अब मुझे आसपास कितने भी लोग कुछ भी कर रहे हैं उसका असर नहीं होता है, या फिर शोर भी हो रहा है। मैंने देखा मेरी एक रूममेट हुआ करती थी, उसको घड़ी की टिक टिक से भी नींद नहीं आती थी, तो वो रात को घड़ी के सेल्स निकाल कर फिर सोती थी। इतना भी वॉइस के लिए सेंसिटिविटी होती है लोगों को, एक्चुअली वो अंदर से बहुत अशांत होते हैं, इसीलिए वो साउंड को दोष देते हैं अपने आसपास की। परंतु कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके आसपास बहुत शोर है, जैसे नवरात्रि में रात भर गरबे चलते हैं, हमारे आसपास शोर होता है, ट्रैफिक का शोर होता है हमारे आसपास, या मंदिरों की में आवाजें आती है, या कहीं पार्टी चल रही होती है हमारे पड़ोस के मकान में और उसका शोर हो रहा होता है, लोग सो नहीं पाते हैं, फिर वो चिढ़ जाते हैं, गुस्सा आता है कि शोर में हम सो नहीं सकते। परंतु कुछ लोगों को हमने देखा है जो मन से बिल्कुल निश्चिंत है, शांत है, वो ढेर सारी आवाजों के बीच में आराम से सो जाते हैं। तो ये पीस जो है वो इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि वो मेंटल पीस है। जब दीदी ये बात कहते हैं तो मुझे एक कोटेशन याद आया,
है कि हे गुरु मुझे ये आत्मा क्या है इसे समझना है। अब ये बहुत गहरी बात है को उस छात्र के मन में किस प्रकार से बिताया जाए, उसको सरलता से इस विषय को कैसे समझाया जाए, वो गुरु के पास एक चुनौती ही थी। उन्होंने ये छात्र को कहा, वहां एक बहुत ही बड़ा वटवृक्ष था, तो गुरु ने कहा कि ये छात्र वहां वो वृक्ष दिख रहा है आपको? हाँ गुरु जी वो वृक्ष दिख रहा है, और वो वृक्ष में एक फल तोड़ के ले आओ। ठीक है, ये छात्र जाता है और वो वृक्ष का एक फल लेके आता है। फिर गुरु जी कहते हैं कि उस फल को आप खोलो और बताओ उसके अंदर क्या है। विद्यार्थी छात्र को उसे खोलता है और उसके अंदर छोटे 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 बहुत ही छोटे से कुछ बीज होते हैं, वो बीज निकालता है और गुरु के समक्ष रखते हैं कि और कहते हैं कि ये छोटे से बीज है इसके अंदर। ठीक है, तो फिर गुरु जी कहते हैं कि इस बीज को आप तोड़ो, इसको क्रश करो, इसको तोड़ो। तो उसने उस बीज को भी तोड़ देता है। तो फिर गुरु जी पूछते हैं कि इसके जब आपने इसको तोड़ा उसके अंदर क्या है? तो फिर छात्र कहता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तोड़ गया है इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तब गुरु जी इनको समझाते हैं, जहां इसके अंदर जो कुछ भी नहीं है उसमें ही इस सारा बड़ा वट वृक्ष ये सार समाया हुआ है। जो कुछ भी दिखने में नहीं आ रहा है उसके अंदर जिस प्रकार से ये सारा वट वृक्ष का सार इसके अंदर समाया हुआ है, इसी प्रकार है छात्रक आपके अंदर भी कुछ एक ऐसी चीज है जो दिखने में नहीं आती है, जो आपका शरीर का अंत होने के बाद भी जिसका अस्तित्व बरकरार रहता है, जिसका अस्तित्व अच्छी तरह से जो नहीं दिखती है मगर जिसका अस्तित्व है, वही तुम्हारा सार है। तुम्हारा सारा सार उसी चीज जो नहीं दिख रही है, जैसे वो वट वृक्ष के बीच के अंदर जो कुछ भी नहीं दिख रहा है मगर सारा ही वृक्ष का सार समाया हुआ है, इसी प्रकार से आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीज है जो दिखने में नहीं आती है मगर जिसके अंदर सारा ही सार समाया हुआ है। वो कौन सी चीज है, वो कहाँ है, उसे कैसे महसूस किया जा सकता है और उसके अंदर क्या है और किस तरह से हम उसे अनुभव कर सकते हैं और उसके अंदर जो अच्छाई है जो बुराई है और वो जो बुराई है उसे कैसे निकाला जा सकता है, उसे और शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है और उसका यथार्थ स्वरूप के साथ साथ उसका यथार्थ स्थान कहाँ है, ये कहाँ से आया है और ये कहां जाता है, इन सब को समझना, इन सब का ज्ञान रखना ही आत्मज्ञान है। इसे और हमें सरल रीति से और सहज रीति से समझने का कोशिश करते हैं। अब ये शरीर है, कितना सुंदर सा एक मैकेनिज्म है, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो प्राकृतिक ज्ञान से हम इसे देखा जाए तो इस शरीर के अंदर कितने सिस्टम्स हैं, कितने करोड़ों कण हैं, कितने टिश्यूज हैं, और साथ साथ ये शरीर, इस शरीर में कितना मसल का मास है और साथ साथ कितना सिस्टम्स है, मस्कुलोस्केलेटल जॉइंट्स है, स्केलेटल सिस्टम है, और साथ साथ आप देखेंगे तो इस शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम एक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम है। इस प्रकार से देखा जाए तो शरीर में कई रसायन उत्पन्न हो रहे हैं और कई प्रक्रियाएं इसके अंदर
कंटिन्यूअसली हमारा कॉन्शियसली करे या अनकॉन्शियसली हो, हमारे जानकारी में हो या ना हो, यह शरीर अपने आप अच्छी तरह से चल रहा है। ये कैसे चल रहा है? ये शरीर सारा चलने में आपका क्या भूमिका है? क्या आप अपने हृदय को धड़कन के लिए संकल्प दे रहे हो? वो अपने आप हो रहा है। आपको भूख लग रहा है या जिह्वा के चापल्य के कारण आप अपनी अपनी टेस्ट के लिए आप कई चीजों को खा लेते हो, मगर उसके अंदर जो रसायन प्रक्रियाएं हैं और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में आपको कोई नॉलेज भी नहीं है, मगर सब कुछ अपने आप कितनी अच्छी तरह से चल रहा है। ये सब कौन चला रहा है? ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इसको चला रही है? ये बहुत कुछ बात है। हम अक्सर करके ये शब्द यूज करते हैं मगर इसे पूरी तरह से समझते नहीं है। फर्ज कीजिए, अब मैं आपका नाम पूछूं, आपको आप कौन हो? अगर मैं कहूं आप कौन हो, आप क्या जवाब देंगे? प्रियदर्शन, आप क्या जवाब देंगे? सर, हम तो अपने नाम से ही अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम अपना नाम ही लेके बताएंगे कि हम कौन हैं। आप अपना नाम बताएंगे या आप किस स्कूल से आए हो या किस इंस्टीट्यूशन से आए हो उसका परिचय देंगे, या अपने माता पिता की परिचय देंगे, या आप किस स्थान से बिलोंग करते हो उस स्थान का परिचय देंगे, मगर क्या ये आपको, क्या ये नाम सदा काल से आपके पास है? इट इज अ गिवन नेम, ओके, इट इज अ गिवन नेम। ये आप नहीं हो, आपका नाम है, आपको इस नाम से जाना जा रहा है, पुकारा जा रहा है, मगर आप कौन हो? मैं कौन हूं? एक ऐसी बहुत गहरी प्रश्न है जिस प्रश्न के आधार पर कई बहुत ही गहरी साधनाओं में पहुंच गए हैं। एक छोटा सा एक बच्चा था जिसके अंदर भी यह प्रश्न उत्पन्न हुआ, वो एक महर्षि बन गया था। वो रमण महर्षि के नाम से जाना जाता था साउथ में। ये छात्र के अंदर यही प्रश्न था कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा यथार्थ अस्तित्व क्या है? अब देखिए, हम अगर हम अपने आप का परिचय देते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, तो हमें अपना देह का यह स्वरूप याद आ जाता है। अब इसी शब्द को थोड़ा हम विच्छेदन करते हैं, ये हाथ मेरा है ना, ये हाथ मेरा है, या ये फोन मेरा है, ये फोन मेरा है मगर मैं फोन नहीं हूं। इसी प्रकार से ये हाथ मेरा है मगर मैं ये हाथ नहीं हूं। इसी प्रकार से मेरे ये वस्त्र है मगर मैं ये वस्त्र नहीं हूं। प्रकार से यह शरीर, यह देह मेरा है मगर मैं ये शरीर या देह नहीं हूं। फिर मैं हूं कौन? मैंने इस देह को धारण किया है माना मातृ गर्भ में, इस शरीर बन रहा है और मैं इस देह का धारण किया हूं, तो मेरा अस्तित्व इस देह से पहले भी है, मेरा अस्तित्व इस नाम से पहले भी है। जैसे कि ये नाम आपको आपके माता पिता ने जिस दिन आपका नामकरण की विधि होता है उस दिन आपको ये नाम दिया गया, उससे पहले आपको ये नाम नहीं था मगर आपका एक अस्तित्व था। इसी प्रकार से इस देह से पहले भी आपका एक अस्तित्व है, वो अस्तित्व नॉन फिजिकल है, वो अस्तित्व मेटाफिजिकल है, वो अस्तित्व माना भौतिक दुनिया से पार है। भौतिक दुनिया से पार भी कोई चीज हो सकती है? ये थोड़ा गहराई से समझने की बात है। हमारे अंदर भी कई ऐसी चीजें हैं जो भौतिकता से पार है, माना कोई वस्तु नहीं है, इट इज नॉट मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, माना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मैटर के अलावा भी हमारे अंदर कुछ और चीज है जो सारी अभौतिक चीजों का सार है, मूल है।
अच्छा, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आप में ऐसी कौन सी चीज है जो फिजिकल नहीं है मगर आपके अंदर है, आप इन्हें रोज यूज करते हो, ऐसे कौन सी चीज है जो नॉन फिजिकल है और आपके अंदर, बताइए। फीलिंग्स और इमोशंस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आपका फीलिंग्स, आपका इमोशंस कोई पदार्थ नहीं है, पदार्थ के अलावा है, उसको कोई मास नहीं है, यू कांट मेजर देम, वे देम। हाँ, फीलिंग्स की इंटेंसिटी को आप मेजर कर सकते हो अपनी मन से। ऐसे कौन से और भी चीज है जो फिजिकल नहीं है मगर आपके अंदर है? सर, हमारी कॉन्शियसनेस और हमारा मन। आपका हमारा मन, और बताइए, सोचिए। आपके अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फिजिकल नहीं है मगर है? मन हो गया, फीलिंग्स हो गए, इमोशंस हो गए, और क्या है? हमारी आत्मा सर। हमारी आत्मा, यस। और हमारे विचार। आपके विचार, बिल्कुल, आपके विचार, आपके फीलिंग्स, आपकी भावनाएं, ओके, आपका जो भी नॉन फिजिकल एलिमेंट्स, कई ऐसे एलिमेंट्स हैं, आपकी जो मेमोरीज है, हाँ, थोड़े मेमोरीज आपके ब्रेन में भी स्टोर होती है मगर आत्मा का भी अपना मेमोरीज है। इसी प्रकार से ऐसे कई कई बातें हैं जो नॉन फिजिकल है मगर वो सारे सार स्वरूप में आपके अंदर है, इसका भी आपको ज्ञान रहना जरूरी है या नहीं? आपको आंखों के बारे में ज्ञान है, कान के बारे में ज्ञान है, या नाक के बारे में ज्ञान है, शरीर के हृदय के बारे में ज्ञान है, आपके किडनीज के बारे में, डाइजेस्टिव, सबके बारे में ज्ञान है मगर साथ साथ आपकी आत्मा और अभौतिक बातों के बारे में भी ज्ञान रखना बहुत बहुत जरूरी है। इस ज्ञान से आपको आपकी अंदर की मैकेनिज्म जो चल रहा है वो अच्छी तरह से समझ में आए। आपके विचार का एक प्रकार की शैली है, किसी और के विचारों का किसी और प्रकार की शैली, इन दोनों में व्यत्यास क्यों है, ये दोनों डिफरेंट क्यों है, कारण क्या है? ऐसे कौन सी एलिमेंट्स है हमारे अंदर जो हमें यूनिक बनाता है, जो हमें औरों से विभिन्न बनाता है, वो क्या है? हमारी वो पर्सनालिटी का मूल क्या है जिसे ही आपके संस्कार कहा जाता है? हर आत्मा का, हर व्यक्ति का अपने अपने संस्कार होते हैं और इस संस्कार अच्छे भी होते हैं तो बुरे भी होते हैं। अच्छे संस्कारों को हमें और भी धारण करना होगा, बुरे संस्कारों को हमें अंदर से धीरे 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 एलिमिनेट करना होगा। वो कैसे कर सकते हैं? जब तक हमारी अंदर की इस अभौतिक दुनिया के बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक हमें उसे उसको चलाना कैसे आएगा? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही बच्चा पैदा होता है धीरे 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 अपने एक एक शरीर का अंग को चलाना सीखता है, कुछ समय के बाद अपने पैरों पर खड़े होकर के चलना भी सीखता है। इसी प्रकार से हमारे ये अंतर जगत है, हमारा एक मानस दुनिया है, हमारा एक स्वप्न लोक है, हमारा एक एक अंदर ही अंदर अपनी कई प्रकार की भावनाएं अपने आप चल रहे हैं, कई सोच, आप देखेंगे कि कई हजारों संकल्प हमारे मन में कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, हजारों संकल्प, सारे दिन में कई प्रकार के संकल्प चल रहे हैं। क्या इसका कोई एक प्रोसेस है? ये कैसे चल रहे हैं अपने आप? क्या ये संकल्प हमारे हमारे स्वसंकल्प से चल सकते हैं या सिर्फ अपने आप चलते रहेंगे? उसे समझना, कैसे समझा जा सकता और उसे किस प्रकार से हम एक दिशा दे सकते हैं, ये सब आध्यात्मिक ज्ञान में, आत्मज्ञान में और राजयोग के अभ्यास में
से समझाया जा सकता है और इसे और एक डायमेंशन में भी हम समझने का कोशिश करते हैं, एनर्जी के डायमेंशन में। ठीक है, ये शरीर, अच्छा ये सारे जो सिस्टम्स है, बॉडी के सिस्टम्स है, जो इंटीग्रेशन है, ये अपने हाथ हिल रहा है, ये साइकोमोटर फंक्शनिंग है, और इसी प्रकार से हम तीन लेवल से ऑपरेट करते हैं, एक है कॉन्शियस लेवल पे, एक है सबकॉन्शियस लेवल पे, एक है अनकॉन्शियस लेवल पे। हमारा शरीर जो अपने सिस्टम्स चल रहे हैं वो बहुत ही एक नेचुरल अपने आप चल रहे, वो एक अनकॉन्शियस डायमेंशन में चल रहा है। अब स्वप्न में भी हो, नींद में भी हो, गहरी नींद में भी हो, वो सारा हृदय भी स्पंदित हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन भी हो रहा है, साथ साथ क्लिंजिंग भी हो रहा है, साथ साथ रिलैक्सिंग भी हो रहा है, हर सेल अपने आप को रिज्यूनेट कर रहा है। वरना ये सारा ही मैकेनिज्म अनकॉन्शियसली होता है। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ। मैंने कभी देखा छोटे छोटे बच्चे कभी कभी चॉक पीसेस खा लेते हैं, आपने ऑब्जर्व किया? जी सर। पूछो। हाँ देखिए, चॉक पीसेस खाते हैं तो मम्मी पापा उनको डांटते हैं और कभी कभी तंग हो जाते हैं, वो भी खा रहा है तो थोड़ा उनको पनिश भी करते हैं, फिर भी ये बच्चा जाते रहता है और चॉक पीसेस खा लेगा, चॉक पीसेस सारे अलग रख देते हैं तो दीवार के चुना निकाल के खा लेगा, उसको भी हम कंट्रोल कर देते हैं तो फिर बाहर जाके मट्टी भी खा लेगा। तो मम्मी को लगता है, माता जी को लगता है कि ये क्या है, मैं उनको सब कुछ दे रहा हूँ फिर भी ये सब ये चॉक पीसेस क्यों खा रहा है, उनको जो चाहिए वो दे रहा हूँ फिर भी वो क्यों खा रहा है। देखो इसमें एक बहुत गहरी बात है ना, ये बच्चा जो चॉक पीसेस खा रहा है कि क्यों खा रहा है, इसका कारण वो बहुत टेस्टी है इसलिए नहीं खा रहा है, इसका कारण ये है कि उस आयु में जहां उनकी डेवलपमेंटल स्टेज है, ऐसी स्टेज में है जहां पे उनको बहुत ही रैपिडली शरीर ग्रो होना शुरू होता है और इस शरीर को बहुत ही दिन ब दिन उनके शरीर के कणों की अभिवृद्धि होना चाहिए और उसके स्ट्रक्चर है उसको रैपिडली ग्रो होना जरूरी है क्योंकि उसके आधार पर ही उसका शरीर का विकसित होता है। यहाँ पर उनको जो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए शरीर के लिए, जो एक्स्ट्रा कैल्शियम का जो नीड है, नहीं मिल रहा है उसे, उतना जितना जरूरी है उतना नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो चॉक पीसेस खा रहा है या चुना खा रहा है या मट्टी खा रहा है। अब प्रश्न ये आता है कि ये बच्चे को इसमें कैल्शियम है ये कैसे पता, इसका नॉलेज उसमें कहां से आया, उसे जो जिनको बोलना भी ठीक तरह से नहीं आता है वो बच्चा ये कैसे खा पा रहा है, उसका बायोलॉजिकल, ये सारा बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस है, ये सारा जेनेटिकल इंटेलिजेंस है, हमारा शरीर का अपना खुद का एक इंटेलिजेंस है, नेचुरल मैकेनिज्म है जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, ये गिफ्टेड है, ये बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है, ये हमारे माता पिता से दिया हुआ गिफ्ट है, नेचर से दिया हुआ गिफ्ट है, उस परमात्मा से किया हुआ गिफ्ट है। इस गिफ्ट में अपने आप कई चीजों को रेगुलेट करने के लिए, अपने आप इसको ठीक करने के लिए, इसको हील करने के लिए, अपने आप को रिपेयर करने के लिए, अपने आप को सक्षम करने के लिए बहुत ही इंटीग्रेटेड सिस्टम इसमें डेवलप हुआ है, प्रोसेस ये अनकॉन्शियसली चल रहा है। बच्चे में वो ज्ञान है, माना ये ज्ञान किस स्वरूप में है, वो कॉन्शियस स्वरूप में नहीं है, वो इंट्यूटिवली, वो बच्चे को जहां भी कोई चीज सफेद में दिखता है कैल्शियम है, ऐसे अंदर वो बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस उसको इंस्पायर कर रहा है और वो उस तरफ जा रहा है और उसे दे रहा है। इस बच्चे को उस समय मारने से या उसको कंट्रोल करने से, उसको बांधने से उस समस्या के हाल नहीं होगा, इस बच्चे को उस समय बहुत कैल्शियम देने से उसकी ये हैबिट टूट जाएगी।
इसी प्रकार से हमारा नेचुरल मैकेनिज्म्स कई मैकेनिज्म्स है जो हमारे बायोलॉजिकल है, इसी प्रकार से हमारे कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स है जो आत्मा के भी है, जो आत्मा के अंदर की बातें हैं, जो जिसके कारण आत्मा इस प्रकार की कई प्रश्नों को पूछती रहती है। आप सोचो आपके मन में भी बचपन से कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं, अगर कई बार उस प्रश्न को एक पूरी तरह से समझ नहीं मिलने के कारण या उसके बारे में प्रॉपरली चर्चा नहीं हो रहे के कारण धीरे धीरे उस प्रश्नों को हमने छोड़ दिया है। आपके पास कई प्रकार के ऐसे प्रश्न होते हैं जो जिज्ञासा के आधार पर होते हैं, आपको पूछना होगा, आपको बड़ों से पूछना होगा, आपके अंदर जो भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो बड़ों से पूछो, अगर उनके पास नहीं मिलते हैं अपनी आचार्यों से पूछो, उनके पास भी नहीं मिलते हैं तो कोई गुरु के पास जाओ या कोई आश्रम में जाओ, ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आइए, प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्न की वो बहुत ही समय दे करके अच्छी तरह से आपके हर प्रश्नों का जवाब देंगे। कहीं पर जो भी ब्रांचेस है, कहीं पर भी है, भारत देश पर्यंत में या विश्व पर्यंत में, आप कहीं पर भी जाएंगे आपके इन प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, मगर आप ये पूछना बंद मत करना। जो भी आपके अंदर इस प्रकार की जिज्ञासा के आधार पर जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं उस प्रश्नों को जरूर पूछना। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, छात्र का एक प्रथम लक्षण यह है कि उन्हें कोई भी प्रश्न को विनम्रता से पूछना होगा, जिज्ञासा से पूछना होगा, जानने की जिज्ञासा से, वाद प्रतिवाद करने के लिए नहीं। या हाँ, वाद प्रतिवाद अलग है, कोई चर्चा में वाद प्रतिवाद जीतने के लिए भी किया जा सकता है और उसे समझने के लिए भी किया जा सकता है, आप तर्क से भी सोच सकते हो, मगर आपकी विनम्रता को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके आचार्य हो या आपका कोई गुरु हो, आपको इन सबको जवाब देने की उनकी कोई जरूरत नहीं है, मगर वो आपके लिए एक फेवर कर रहे हैं, बहुत प्यार से उनकी जो ज्ञान है वो आपको बांट रहे हैं। विद्यार्थी का संधि विच्छेदन कीजिए, विद्या की जो अर्थ मतलब विद्या पाने के लिए जो अपने आप को मतलब जो भिक्षा मांग रहा है विद्या का, वो विद्यार्थी है, और जो दे रहा है वो आचार्य है या गुरु है। उनके पास हमारे विनम्रता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई कई बार आजकल की विद्या विधान में कई प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, इसके जिसका फलस्वरूप क्या होगा, जिसका फलस्वरूप यही है कि आप ही खुद वंचित रहोगे, क्योंकि आपको अपने टीचर के प्रति, अपने आचार्य के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो सुनाते रहेंगे मगर आपके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है तो आपके हृदय के अंदर वो ज्ञान उतरेगा नहीं। इसी प्रकार से अपने माता पिता से भी, अपने बड़ों से भी बहुत आदर और सम्मान के साथ अपने आप को पेश करना होगा। कोई भी प्रश्न आप जिज्ञासा से पूछते हो तो उनको भी बहुत प्यार से समझाने का दिल करेगा, और इस प्रकार के कई प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होते हैं। ये मन क्या है, ये सोच जो चल रहे हैं ये क्यों चल रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये स्वप्न कहाँ से आ रहे हैं, कभी कभी अतीत के कोई ऐसे स्वप्न आते हैं या कोई ऐसे दृश्य दिखते हैं या कुछ पूर्व की पूर्व जन्म की कुछ बातें याद आ जाती है या कुछ ऐसे, ये क्या चीज है समझने के भी दिल कहेगा, या मृत्यु के बाद कहाँ कहाँ जाते हैं ये समझ में नहीं आते हैं, तो बच्चों को कहा जाता है मृत्यु के बाद तो पूरे सितारे हैं, सितारों में पहुंच गए हैं, तो उस समय के लिए वो एक आंसर है उसको मन शांत करने के लिए, मगर उसका जवाब कुछ और है, वो आत्मज्ञान में मिलेगा। सर आपका माइक ऑफ है। ओके, कितना समय से ऑफ रहा? एक मिनट पहले से बस सर। तो
एक बार आप सोचिए, ऐसे जो व्यक्ति हमारे साथ चलता फिर रहा है, वो सडनली उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। कहते हैं कि वो चले गए हैं, उनकी शरीर तो यहाँ ही पड़ा है, मगर वो कहाँ चले गए? उनको कहते हैं अर्थी, उनको उनकी जो अंतिक्रियाएं हैं कर देते हैं, फिर वो व्यक्ति हमारे जीवन से चले जाते हैं। तो वो गए कहाँ? उसका अस्तित्व कहाँ गया? आत्मज्ञान ये कहता है कि आपका अस्तित्व सदा स्थिर रहेगा, आपका अस्तित्व शाश्वत है, आपका अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता। जैसे ये वस्त्र है, आपने ये वस्त्र पहना है और ये माना डर्टी हो जाता है तो इसे आप निकाल देते हो और दूसरे वस्त्र पहनते हो। इसी तरह आत्मा एक देह को धारण करती है, दूसरा देह को, उस देह को छोड़ती है तो और दूसरा देह को धारण करती है। इन प्रकार इस बातों को अच्छी तरह से समझना होगा। हम एक एनर्जी डायमेंशन में भी इसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सारे बॉडी का जो 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 भी सिस्टम है वो सारे नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। ये सारा नर्वस सिस्टम कहाँ जा रहा है? ये स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के ब्रेन में जा रहा है। और ब्रेन में क्या हो रहा है? ब्रेन में एक एक कंप्यूटर जैसा है। ब्रेन में सारे मेमोरीज है, ब्रेन में सारा इनको कंट्रोल करने के सिस्टम्स है। अच्छा, ये सारे सिस्टम्स कैसे चल रहे हैं? आपके संकल्प के आधार पर चलते हैं। मतलब संकल्प क्या है? आपकी मन की आधार पर आपके अंदर संकल्प आता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास संकल्प आ रहा है थोड़ा पानी की जरूरत है। जैसे ही संकल्प आता है तो हाथ पानी की ओर जाएगा और पानी ले लेगा। एक्सक्यूज मी, देखिए अभी इसका मैकेनिज्म समझते हैं। मन में संकल्प आ रहा था कि मुझे पानी चाहिए। ये संकल्प कैसे आ रहा है? क्योंकि बॉडी में 80% वाटर है। जैसे ही बॉडी के वाटर के परसेंटेज कम होगा, डिहाइड्रेशन होगा, इमीडिएटली आपको अंदर एक फीडबैक आएगा, बायो फीडबैक, और आपके मन में ये संकल्प आएगा कि इसे पानी देना है। तो आपने आप पानी की ओर गए, आपके संकल्प आते ही आपके ब्रेन में सिग्नल्स जा रहे हैं और ब्रेन से माना ये साइको है, माना साइकोलॉजिकल है आपके मन के आधार पर। देन इमीडिएटली आपके मोटर फंक्शनिंग, ये शारीरिक बॉडी के जो भी फंक्शंस होते हैं मोटर फंक्शनिंग से। अब ये कोऑर्डिनेशन है आपके साइकोलॉजिकल थॉट और मोटर फंक्शनिंग, इसे ही साइको मोटर फंक्शनिंग कहते हैं। माना आपका जैसे संकल्प आते ही आपके हाथ पानी की ओर गया और पानी अंदर गया और फिर वो कार्य आप पूरा करते हैं। इसी प्रकार से एक अंदर एक और मैकेनिज्म है जिसके बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, और ये अंदर के मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरह से ठीक रखना बहुत बहुत जरूरी है। आप बच्चों को आपको अभी से ही ये जानना होगा कि आपके मन को शांत, चित्त को शीतल, और आपकी संकल्प को दृढ़, और आपकी कैरेक्टर के उसे बहुत सालीन से मतलब प्यूरिटी से रखना बहुत बहुत जरूरी है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को आपको मिनिमाइज करना होगा, धीरे धीरे एलिमिनेट करने के भी प्रयास करना होगा। आपके मन के मैकेनिज्म कितना अच्छा रहेगा, आपका तन का मैकेनिज्म भी उतना अच्छा रहेगा। आपका मन शांत है और एकाग्र है तो आपकी बुद्धि चलेगी, और साथ साथ आपका ब्रेन को एक बार पढ़ने से अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रहेगी। अगर आपका मन विचलित है, भल आप फिजिकली पढ़ भी रहे हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं होगा। इसका कारण यही है कि मेन ब्रेन में रजिस्टर होने के लिए बुद्धि को उसमें लगना होगा, मन को उसमें लगाना होगा। मन और बुद्धि कोई और जगह है और फिजिकली आप सिर्फ पढ़ रहे हो तो कुछ भी समझ में नहीं जाएगा। तो ये अंतर जगत को अच्छी तरह से प्रॉपरली समझते हुए उसको एक डायरेक्शन और दिशा देने की बहुत बहुत जरूरी है, ताकि हमारे बाह्य जगत भी ठीक रहेगा। आप ये मेडिकल साइंस कई रिसर्चों के बाद सार में ये कहता है कि जो इंसान जो डिजीजेस, जो भी हमारे डिजीजेस है, जिनमें 90% ऑफ द डिजीजेस के अगर रूट कॉजेस में जाते हैं, उसके मूलों में जाते हैं, तो ये मालूम पड़ा
कि ये सारे जो डिजीजेस है उसका मूल अपने मानसिक असंतुलन के आधार पर ही है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, माना यहां सोमा माना बॉडी, साइको माना मन, माना मन के डिस्टर्बेंस के आधार पर जो शरीर में बॉडी में जो रोग उत्पन्न हुए हैं उसे ही साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसके कारण हमारे मन को ठीक रखना, शक्तिशाली रखना बहुत जरूरी है। एक डर एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत कमजोर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड का समय है, लॉकडाउन है, कोरोना का समय है, अगर आपके मन में विचार कोरोना से डर के ही विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो आपका शरीर भी कमजोर हो जाएगा, और साथ साथ अगर उस एनवायरनमेंट में भी जाएंगे तो आप बहुत तुरंत ही उसके वल्नरेबल हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप अपने आप को संकल्प देते हैं कि मेरा ये शरीर बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही डिजीज रेजिस्टेंट है और बहुत ही शक्तिशाली है, रोग निरोधक शक्ति मेरे शरीर में बहुत अच्छी तरह से है और किसी भी प्रकार की प्रभाव से इसके सामना करने की क्षमता हमारे शरीर में, सो विचार अपने दृढ़ता के विचार अगर आप दे रहे हो फिर भी उसी विचार से उसी भावना से अपने आप को ताकतवान बनाएगा। माना हमारे संकल्पों के आधार पर बाह्य जगत बन जाता है। प्रिय छात्र इसे थोड़ा और गहराई से हम समझते हैं। माना हमारे मन माना कहीं ना कहीं एक ऐसे जगह पे है जो इस शरीर को नियंत्रण कर रहा है। इसे ही योग विद्या में आज्ञा चक्र कहा जाता है। आज्ञा चक्र माना यहां इस ललाट में, इस ब्रुकडी में, ओके, इसके इस चमड़ी के अंदर, इस कपाल के अंदर जहां ब्रेन है, उस ब्रेन के एक ऐसे एक पॉइंट है जहां पर एक प्रकाश में एक चमकता हुआ सितारे के रूप में आत्मा अपनी रखती है। I didn't catch that. Could you try again? I'm sorry. जैसे शरीर की ऑटोमेटिक सिस्टम्स है ऐसे कंप्यूटर की भी अपनी ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं। तो इस ललाट में, इस प्रकृति के बीच में एक प्रकाश की किरण के रूप में, एक तेज के रूप में, एक ऐसी पॉइंट जहां पे इस ब्रेन को अच्छी तरह से नियंत्रण में रख सके, उस पॉइंट पे आपका अस्तित्व है। और वो एक ऐसे एनर्जी सेंटर है जिसे ही एक चक्र कहा जाता है। एक एनर्जी सेंटर है, एक पॉइंट है जहां से वो एनर्जी के आधार पर इस ब्रेन की फंक्शनैलिटी को और साथ साथ नर्वस सिस्टम के आधार पर इस सारे शरीर की फंक्शनैलिटी को रेगुलेट कर रही है। जैसे कि राजा एक जगह रह के सारा ही देश को चलाता है, इसी प्रकार से इस सारे शरीर को आप एक देह समझो, इस देह को एक क्षेत्र समझो, जिसे ही योग विद्या में गीताचार्य ने कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, माना ये सारा ही क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है, माना राजा है आत्मा। यहाँ इस प्रकृति के सिंहासन पे, इस स्थान पर बैठ के, जिसे ही आप अगर बायोलॉजिकल टर्म्स में देखते हैं पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस रीजन जो है वहां पर एक प्रकाश के रूप में अपना अस्तित्व है, वही है आज्ञा चक्र का एनर्जी सेंटर। आप उस सेंटर पे रह के अपने शरीर को चला रहे हो। क्या राजयोग के अभ्यास में, मेडिटेशन में, आप अपने मन की एकाग्रता को धीरे 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 इस शरीर से हटाते हुए, बाह्य शरीर से हटाते हुए अंतर जगत में ले जाओगे, अपने मन को यहाँ प्रकृति के बीच में एकाग्र करोगे, उसके अंदर जो चमकता हुआ वो ज्योति है, वो सितारा है, उस आत्मा को आप अपनी मनोनेत्र से देखने की प्रयास करोगे। कैसे देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं? अब अपने सोचो यहाँ क्या है, हृदय है। आप अपने मनोनेत्र से हृदय को देखो, आप फील करोगे, आप फील कर सकते हो।
इसी प्रकार से आपका ये ब्रीदिंग श्वास अपने आप चल रहा है. इस श्वास को ये श्वास अपने आप चल रहा है. आप अपने श्वास को महसूस कर सकते हो या बिना महसूस करे भी अपने श्वास अपने आप चलता है. अभी हम अगर ध्यान दें, थोड़ा मन को एकाग्र करें और हमारे मनोनेत्र से अपने श्वास के गमन को ऑब्जर्व करें. हमारा ध्यान अगर श्वास में है तो अगर श्वास का कोई रेगुलरिटीज है, माना आप दौड़ते दौड़ते आए हो और खड़े बैठे हो या खड़े हो, तो आपका श्वास बहुत ही तेज गति से चलता होगा. आप एक बार शांत होकर अपने मन को एकाग्र करके अपने श्वास के ऊपर ध्यान दो या अपने हाथ को यहाँ हृदय स्थान पे रख के देखो. धीरे धीरे आपके मन मन के आधार पर आपके श्वास की गति रेगुलेट हो जाएगी, आपके हृदय की गति भी रेगुलेट हो जाएगी. ये कैसे हो रहा है? क्योंकि आपका संकल्प, जैसे ही आपके मन यहाँ एकाग्र हो जाता है तो उस ऑर्गन का रेगुलेशन और हीलिंग अपने आप होना शुरू हो जाता है. मतलब आपके मन जहां चाहे वहां आप फोकस एकाग्र कर सकते हो. इसी प्रकार से आप अभी समझो, इस देह का सारा ही कनेक्शंस नर्वस सिस्टम के साथ है. वो सारा नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है, और वो स्पाइनल कॉर्ड से आप लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन के साथ यहाँ अंदर जा रहा है, और सारा ही ब्रेन में न्यूरॉन्स है, सारा ही ब्रेन में सारा एक एक एरिया की एक एक एनर्जी सेंटर है, और यहाँ पर भ्रुकुटी के बीच में अंदर एक लाइट, एक चात्मा, एक ज्योति के रूप में एक अपना एक प्रकाश में बिंदु अपने अस्तित्व से वहां चमक रहा है. आप सुबह सुबह उठते ही शांत चित्त होकर के अपनी पलंग से जैसे ही उठते हो वैसे दो मिनट के लिए बैठो, शांत चित्त होकर बैठो, अपने इस आत्मा के इस आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कीजिए. यहां पर आप अपना एक ज्योति को देखिए और उस ज्योति से किरण जो भी निकल रहे हैं, तेज जो भी निकल रहा है, प्रकाश जो भी निकल रहा है, वो सारा ब्रेन को रिचार्ज कीजिए. और साथ साथ धीरे धीरे उसी तेज से ये सारे शरीर के एक एक अंग को चला रही है उसी आत्मा अपने संकल्प के साथ. फील कीजिए अपने संकल्प से, ये उंगलियों को हिलाने का संकल्प करते ही ये हिल रहे हैं. माना यहां से ये शरीर का एक एक अंग चल रहा है. फिर आप अपने अंदर अच्छे अच्छे विचार ला लीजिए कि जैसे कि आज का ये बहुत ही सुंदर सा सुदिन है, आज परमात्मा ने मुझे और एक नया दिन की प्राप्ति कराई है, आज का ये दिन बहुत सुंदर होगा, आज कई चीजों को सीखने का मुझे मौका मिलेगा, आज कुछ अच्छी चीज अच्छे काम करने का एक मौका मुझे मिलता है, और साथ साथ आज का दिन बहुत अच्छा होगा, मैं तंदुरुस्त रहूंगा, खुश रहूंगा, और अच्छी बातें सीखने के लिए आज के दिन मेरे लिए ब्लेस किया गया है. इस प्रकार से मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मुझे कितनी कई सुविधाएं मिली है आज के दिन पे, मुझे कोई है जो मुझे मेरा रेख देख कर रहे हैं, चाहे वो मेरे माता पिता हो, चाहे वो मेरे बंधु हो, चाहे जो बड़े है या कोई भी है, और ये जीवन कितनी अच्छी है. और कई दुनिया में कई ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको एक एक समय का भी भोजन नहीं मिल रहा है. कई देशों में ऐसी हालतें हैं, मगर मैं कितना भगवान के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे कम से कम एक दिन एक समय का तो मिल रहा है, और अच्छी तरह से मिल रहा है. कोई तो है मुझे टेक केयर करने वाले मिले हैं, कोई तो है मुझे अच्छी तरह से संभालने वाले मिले हैं. कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं. मैंने इस प्रकार से काउंट योर ब्लेसिंग्स, आपके पास कई ऐसे चीजें मिली है जो आपके लिए बहुत बहुत सुविधाजनक है, मगर कभी कभी हम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करने के बजाय जो नहीं मिला है या किसी और को जो मिला है उसके बारे में सोचते और जिसके कारण असंतुष्ट रहते. उसके अलावा उसके बजाय हम अपने अच्छी तरह से सुबह सुबह अपने आप को रिचार्ज करें इस विचारों से, अपने आप को बहुत एम्पावर करें, शक्तिशाली कर ले, फिर हम इतनी अच्छी तरह से अपनी भावनाओं को जागृत करते हैं, अपने शरीर को फिर
जो भी व्यायाम करते हो सुबह सुबह, अपने शरीर के स्ट्रेचेस करते हो, जो भी कर, जब आप कर रहे हो आप सिर्फ अपने संकल्प से मत कीजिए, आप यहाँ अपने स्थान पे रहते हुए कीजिए। आप पढ़ रहे हो, अपने मन को यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। आप चल रहे हो तो यहाँ संकल्प जो आ रहा है उस संकल्प से मैं चल रहा हूँ। मतलब ऑपरेट दिस होल सिस्टम, यहाँ आज्ञा चक्र में अपने मन को स्थिर करके, जैसे कि एक पायलट अपनी कॉकपिट में बैठता है, तब फिर विमान को कितना ही तेजी से किसी जगह से किसी जगह पे ले जा सकता है। इसी तरह से आत्मा के लिए ये कॉकपिट है, इस शरीर रूपी बहुत बड़ा यंत्र को चलाने के लिए यहां पर वो जो नहीं दिखने वाली है, क्योंकि वो पदार्थ नहीं है, अगम्य है, अगोचर है। इसी प्रकार आत्मा को आप महसूस कर सकते हो, एनर्जी को आप फील कर सकते हो। आज के दिन में हम सब ये अभ्यास करेंगे कि हमारे प्रकृति के इस एनर्जी सेंटर से ही हम हर काम करते हैं। आप पानी भी पी रहे हो, भोजन भी खा रहे हो, आपके सूक्ष्मता से मन ही मन एक आपका जो अवेयरनेस है वो यहां पर रखिए। आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो अस्तित्व का जो फीलिंग है, आपका जो कंट्रोल रूम है वो यहां है। आप अपने मन को यहां पर स्थिर कीजिए। अब प्रश्न आता है तो कैसे स्थिर करें यहाँ पे? यहाँ पर आप थोड़ा समय शांतचित होके अभ्यास, अभी ही ये सेशन होते ही आप बैठिए। यहाँ पर भुपट्टी के बीच में एक चमकता हुआ एक एक ज्योति को आप देखिए, जैसे कि ये गर्भालय है। इसीलिए कहा जाता है देहो देवालयो हो, माने ये देह एक देवालय जैसा है, एक मंदिर जैसा है। इस मंदिर के अंदर ये जो मुख है ये गर्भालय जैसा है। आप जब गर्भालय में जाते हो वहां पर एक दिया जलाया जाता है। उस दिया या उस मूर्ति जो है, उस लिंग रूप है, उस ज्योतिर है, ज्योतिर्लिंग है, वो जैसे कि इस देह में आत्मा यहाँ भ्रुकुटी के बीच में अपनी अस्तित्व को रखती है। आप अपने आप को, इस अस्तित्व को, इस ज्योति के रूप को आप देखिए, तब आपका मन एकाग्र और स्थिर होगा। जैसे कि एक मंदिर में एक दिया जल रहा है, बाकी सारा अंधकार है, दिया जल रहा है। इसी प्रकार से आप मेडिटेशन करते हो, राज्यों की अभ्यास शुरू करते हो, आप ध्यान या माइंडफुलनेस करते हो, तो ये भ्रुकुटी के बीच में वो दिया, वो ज्योति एक सितारे के रूप में चमकते हुए अपने आप को देखिए। फिर इसके बाद आप कर्म में आइए। कर्म में आते समय जो भी कार्य कर रहे हो मन यहां रख के काम कीजिए। माना अवेयरनेस में वो ज्योति को अपने मन से देखते हुए साइकोमोटर फंक्शनिंग, माना ये बॉडी की जो मोटर फंक्शनिंग है उसे भी आप कर रहे हो, आप यहां से कर रहे हो, ये आप ध्यान रखिए। एक्चुअली वही हो रहा है मगर हमारा ध्यान के बिना हो रहा है। हमारा ध्यान फिर उस तरफ ले जाना ही ध्यान है। हमारे आत्मा के साथ हमारे मन को जोड़ना ही योग है। फिर उसके बाद आप देखेंगे आपकी जो भी कार्य है बहुत एकाग्र होना शुरू होगा। आप जो भी काम करते हो थोड़ा धीमी गति से होंगे मगर परफेक्शन के साथ, फोकस के साथ होंगे। आप जो जो हरी सिकनेस है या उतलावपन है या भागदौड़ की माइंडसेट है फुल होना शुरू हो जाएगा। आप पढ़ेंगे भी, आप जब पढ़ रहे हो तो आपके मन बहुत एकाग्रता से उसे ग्रहण करना शुरू कर देता है। तो ये अभ्यास आप सब करेंगे? जी सर बिल्कुल। ये आज ये अभ्यास की करेंगे और कल हम ये आत्मा को और प्रकृति और प्रकृति के पति जो परमात्मा है उनके साथ कैसे जोड़ना है वो हम कल के सेशन में हम अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज फिर एक बार हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। आपने हमें एक बहुत ही सरल और सहज अभ्यास बताया जिससे हम अपने मन के बिखरे हुए विचारों को एक दिशा में लाकर उन्हें अपने संकल्प शक्ति को दृढ़ करके किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें पूरी आशा है कि हमारे दर्शक और सारे पार्टिसिपेंट्स इसका अभ्यास करके एक पॉजिटिव चेंज महसूस करेंगे। इसी के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे सेशन को ज्वाइन किया और हमारा मार्गदर्शन किया। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। हमारे सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि इस सेशन के बाद वे कृपया हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इस सेशन का फीडबैक फॉर्म जरूर भरें और अपना सुझाव हम तक पहुंचाएं www.speakmeke.org। यहां पर आप जाकर अनुभव सीरीज फीडबैक फॉर्म भरकर अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। इस सेशन के पश्चात आज के दिन भर के जो प्रोग्राम शेड्यूल्ड हैं उन्हें भी आप यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जरूर अटेंड करें। काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट, विभिन्न विधाओं के कलाकार आज अपनी प्रस्तुतियां देंगे, उनका आनंद लें। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वह फेसबुक पर स्पीक मेके के ऑफिशियल पेज पर अवेलेबल है। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि कल आप फिर सभी हमारे साथ इस सेशन में शामिल हों। तब तक के लिए ओम शांति, धन्यवाद।